आपको बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि अब तक 11 ईगल्स की क्रिकेट टीम हमारे गांव के गलियों में क्रिकेट खेल रही थी, लेकिन अब मुरली पांडे ने इस टीम को अपने छत्रछाया में ले लिया है। जी हाँ, मुरली ट्रेवल्स के मुरली पांडे ने। और हमारे खेतों से क्रिकेट के इस ऐतिहासिक खेल को देखने के लिए गौतमपुर के बड़े बड़े लोग जो भारी मात्रा में स्टेडियम में आ चुके हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। मैं सचिन और मेरा दोस्त तेंदुलकर। इस शानदार मैच को यहाँ खेले जाने की अनुमति देने के लिए हम इस गांव के हमारे बहादुर रक्षक इंस्पेक्टर सुरेश मल्होत्रा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। गांव वालों की तरफ से और हमारी तरफ से धन्यवाद स्वीकार कीजिए। धन्यवाद सिर्फ धन्यवाद शब्द नहीं है, बल्कि इसमें हमारा सम्मान और हमारा आभार भी है। पर इस डर से कि जनता इस आभार को घूस समझ लेगी, इंस्पेक्टर सुरेश मल्होत्रा ने इसे यानी हमारे धन्यवाद को भी स्वीकार करने से मना कर दिया है। पूरा गांव इन्हें सलाम करता है। हमारे गांव में आके हमारे लोगों को मारता बारिश है। अरे कितना शोर मचाते हो यार, मार खाओगे? वो जाओ सब लोग कितने सब आ गए। सर नमस्ते। सर नमस्ते। सर इतना भीड़ काहे जमा है? साहब दोनों गांव के बीच दंगा हो गया है। ओ अच्छा, दंगे मतलब पंगे। जात पात और धर्म देश को बर्बाद करते हैं। ए वहाँ क्या है? हम यहाँ। अरे कुछ नहीं साहब, वो मंजुनाथ नाम का। पॉलिश लगा के रख। ठीक है साहब। पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। सर बैठिए ना। खाना परोस। हाँ हाँ खाइए। शुद्ध घी में तड़का मारा है। मंजुनाथ की बेटी के वजह से हुआ है। सबकी वजह वही सी की वजह से हुआ है। ये मंजुनाथ कौन है? मंजुनाथ अच्छा आदमी है सर। ये दो दो आवाज कहाँ से आ रहे? जरा बुला तो। छोटू और मोटू आओ आओ। साहब मंजुनाथ बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा है कि बुरा, ये फैसला हम। हे आवाज नीचे। दंगा जिसने शुरू किया और जिनको कंप्लेन लिखवानी है सिर्फ वही यहाँ रहेंगे, और बाकी लोग यहाँ से हवा हो जाओ। चलो जाओ जाओ, इंस्पेक्टर साहब बताएंगे क्या करना है। मेरा कहना मानते हैं साहब। साहब मंजुनाथ सच में बहुत अच्छा आदमी है। ये फैसला करना तुम्हारा काम नहीं, पहले अपना नाम बता। साहब मेरा नाम सचिन है। साहब तेरे पिताजी जरूर सचिन के फैन होंगे। हाँ मेरे पिताजी सचिन को बहुत मानते हैं। हाँ हाँ हमको सब पता है। तुम्हारा नाम? मैं तेंदुलकर हूँ साहब। पिताजी तेंदुलकर को बहुत मानते हैं। ओ एक सचिन और दूसरा तेंदुलकर, दोनों अलग हैं। हाँ साहब मैं और ये दोनों बहुत अलग हैं। सही कह रहे हैं। ये दोनों मिलकर मेरे दिमाग की तो। मंजुनाथ बहुत अच्छा आदमी है सर। ए मंजुनाथ अच्छा आदमी है, इसी बात को 100 बार क्यों दोहराए जा रहे हो? मंजुनाथ उसका नाम है, लेकिन अच्छे आदमी का खिताब उसे कैसे मिला आप बताओगे? जरा बताओगे या सेवा करूं? मेरी आधी जिंदगी निकल गई तेरी और घरवाली की सेवा करते करते। देर हो रही है, तुझसे बाद में निपटूंगा। मंजुनाथ बेटी को दुकान पे छोड़ दिया है, अब ये सिर्फ खाद का थैला जो है खेत पर छोड़कर आता हूँ। ठीक है, मैं तब तक आगे निकलता हूँ। अच्छा अच्छा सुन सुन कन्नो, अपनी भाभी से कुछ कहना नहीं। हाँ नहीं तो उसे पता चल गया तो परेशान कर डालेगी मुझे। क्या मंजुनाथ? हाँ जी। मैं तुमसे मिले तुम्हारे खेत की तरफ ही जा रहा था, तुम कहीं और जा रहे हो क्या? वो क्या है? अरे मैच तो शुरू हो गया, तू नहीं आ रहा क्या? ओए तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। चल ठीक है जल्दी। और बताइए इस नाचीज की कैसे याद आ गई? एक अच्छी खबर सुनाने आया हूँ, सरकार ने हमारे गांव में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बनाने की परमिशन दे दी है। अरे बड़े भैया को ठीक से समझाइए ना, बात ये है मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए जमीन की तलाश है हमें। कॉलेज के लिए बड़ी जगह चाहिए होती है, और हमारी तो खेती बाड़ी की जमीन है ना। वही तो बात है मंजुनाथ, तुम्हारी इतनी बड़ी जमीन है, मुझे लगा तुमसे एक फायदे की बात की जाए, इसीलिए तुमसे मिलने आया हूँ। तो इन खेतों के एवज में आप नई पीढ़ी को डॉक्टर बनाना चाहते हो? मंजुनाथ तुम्हारे ऐसा करने से गाँव वालों का भला होगा। अच्छा ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो अगली फसल के बाद आपको ये जमीन दे दूंगा। मैंने कहा था ना मंजुनाथ मेरी बात जरूर मानेगा। और मेरी एक शर्त माननी होगी, तब तक ना आपको खाना पीना छोड़ना होगा ताकि फसल ही ना उगानी पड़े। ऐसे वैसे कुछ मत देना, मुफ्त में दे दूंगा जमीन आपको। लेकिन आप एक छोटी सी बात भूल रहे हैं, जब तक भूख रहेगी खेत रहेंगे। खेत हमारी माँ है और माँ को कोई बेचता नहीं। ओए उड़ा अपना जहाज। ये लो अभी उड़ाता हूँ।
तुझे पता भी नहीं चलेगा और तेरी ये जमीन मेरी हो जाएगी। ए, अगर तुम बच्चों ने मेरे खेत में पैर रखा ना तो टांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगी। चलो, 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 चलो। कहीं और जाके नहीं खेल सकते। अरे छोटे बच्चे हैं, रहने दो। बच्चे? अरे जब हम इनकी उम्र के थे ना तो हमारी शादी हो गई थी। हाँ तुम्हारी कहानी तो पूरा गांव जानता है। क्या जानती हो तुम? यही कि उस वक्त तुमने कितनी जिद की थी, मंजुनाथ के अलावा तुम्हें किसी और से शादी करनी ही नहीं थी। ओ भाभी जी, क्या तुम उसे इतना प्यार करती थी? प्यार व्यार तो मुझे नहीं पता, बस ये पता था कि उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। पता है, कुछ हासिल करने के लिए इच्छा करने से कुछ नहीं होगा। जब फैसला अटल हो तभी लोग समझ पाएंगे कि हम उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। He's on 98 not out, Tendulkar. Short ball, quick ball, might be out, is out. Sharp up, Darren's come back in. कैसा शॉट मार रहा है यार। अरे रुक रुक रुक, ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? साहब यही तो मंजुनाथ की बेटी है, बहुत किस्मत वाली है। महाकसम, पाकिस्तान वाली मैच में हम उसको साथ ले गए थे तभी तो जीते। बहुत लकी है सर लड़की। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ सामने देख। कौन? वहाँ जो बैठी है वो कौन है? साहब हम दोनों कब से इसी लड़की के बारे में तो बात कर रहे हैं। अच्छा यही है वो लड़की? वही है साहब। तो फिर तुम दोनों इतनी लंबी कहानी काहे सुना रहे थे? तो आप इतनी देर सुन क्यों रहे थे? बुलाओ उस लड़की को। राम सिंह, उस लड़की को भेजो यहाँ। दो गांव एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, तुम्हारे पिता ने इन दोनों को उकसाने के लिए क्या किया था? क्रिकेट सर। क्रिकेट? बल्ले वाला क्रिकेट? हाँ सर। जब सब लोग टीवी पर क्रिकेट देख रहे थे, मैंने पहली बार मेरे पिताजी की आंखों में क्रिकेट देखा। सारा गांव उन्हें क्रिकेट का दीवाना कहता था। देखा, मेरी बेटी जो यहाँ बैठी है ये बड़ी भागों वाली है, इसने जिता दिया हमारे देश को। हमारे खिलाड़ियों ने तो कुछ किया ही नहीं ना, तुम्हारी बेटी ने ही चौके छक्के मारे। चलो चलो जाओ जाओ, धंधे का टाइम खोटी मत करो। कौशी, तेरी अम्मा ने खाना बनाया, यानी उसे शक नहीं हुआ। अरे क्या कर रहे हैं, छे इतना आसान क्या छोड़ दिया यार, कौन भर्ती करता है इनको टीम में। एक गुड़िया रानी, देखो पापा क्या लाए हैं। देर हो गई भाई, क्या कर रहे हैं खिलाड़ी? क्या बोलूं यार, हमारे पास के गांव का लड़का बहुत सही खेल रहा है, पहली मैच में सेंचुरी बनाई थी उसने। मैं बता रहा हूँ आगे जाके ये इंडियन टीम का कैप्टन बनेगा भाई। हाँ भाई, सोच ही रहा था कि आज इसे अस्पताल ले जाऊं। क्या हुआ? अरे कीपर को आंख में लग गई। ओए भाई, जिसने अभी अभी शतक लगाया। हाँ भाई, सुनकर बहुत दुख हुआ। दुकान पर आ जाना, मैच साथ में देखेंगे। अगर तुम तुम्हारी हमेशा वाली सीट पर बैठोगे तभी तो इंडिया जीतेगी। ये सब निपटाओ, जल्दी पहुंचो। बहुत दुख हुआ मंजुनाथ। नमस्कार। 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 मंजुनाथ कुछ काम हो तो बोलो। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। हे माँ, सब लोग बाहर इकट्ठे हैं और तू यहाँ टीवी देख रही है, चल बाहर चल। हे, चिल्ला क्यों रही हो? देख रहे तो इसे, तुम बाहर जाओ। बिगाड़ के रखा हुआ है अपनी लाड़ी को। कौशी, टीवी का आवाज मत बढ़ाना, अपने पापा को स्कोर बताते रहना। हाँ मेरे बापू। मेरे दादाजी के मौत पर भी मैंने उन्हें रोते हुए नहीं देखा, पर Captain
of this Indian cricket team strong. बाबा क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, तुम जाकर सो। And they go through, India go home. Baba, school aa gaya. Bye, Baba. बच्चों, अगले महीने हमारे स्कूल का स्पोर्ट्स डे है। जो जो बच्चे जिन जिन खेलों में भाग लेना चाहते हैं वो अपना नाम मुझे लिखवा दें। चलो आ जाओ। नीलम खो खो सर। नीलम खो खो। एस दिव्या खो खो। सबको खो खो खेलना है, कोई और खेल नहीं है क्या? आर मीनाक्षी थ्रो बॉल। मीनाक्षी थ्रो बॉल, बैठ जाओ। कौशल्या क्रिकेट। क्या क्रिकेट? क्रिकेट पिछली बार सेमीफाइनल में हार गए थे हम, याद है ना? इस बार अच्छे से खेलना, ठीक है? जाओ तुम लोग। सर। हाँ बोलो, कौन सा खेल है तुम्हारा? सर क्रिकेट। स्कूल में क्रिकेट नहीं खेला जाता बेटा, कोई दूसरा खेल हो तो उसमें अपना नाम लिखवा दो। सर क्रिकेट। अरे क्या क्रिकेट, क्रिकेट लगा रखी है तब से। सर जब इंडिया हारी थी तो मेरे बाबा बहुत रोए थे। अच्छा, तो मुझे क्रिकेट खेलकर उनका दिल जीतना है ताकि उनको खुश कर सकूं। खुश रखना चाहती हो ने, तो अच्छे से पढ़ाई करो। सर क्रिकेट। अरे बेटा तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई। मैंने बताया था ना, क्रिकेट ऐसा खेल है जो अकेले नहीं खेला जाता है, 11 लोगों की टीम लगती है उसमें। जाओ पहले 10 खिलाड़ी ढूंढ के लाओ, उसके बाद बात करेंगे। जाओ। क्या कौशी, एग्जाम की तैयारी हो गई है क्या? कौशी कह रही है उसने पूरी तैयारी कर ली। कौन पढ़ता है? तो क्या कल से स्कूल नहीं आएगी? नहीं आऊंगी। तो फिर? मुझे प्रीति सर ने ग्राउंड पर क्रिकेट खेलने बुलाया, अब मुझे स्कूल आने की जरूरत नहीं है। मुझे पता होता तो मैं भी क्रिकेट चुनती। अभी देर नहीं हुई है, मैं सर से बात करूंगी, वो मना नहीं करेंगे। ए, इधर। सर। ये तो ये है तुम्हारी क्रिकेट टीम? हाँ जी सर, खेलना शुरू करें। क्रिकेट खेलना चाहते हो? 7 बजे तक रुकना पड़ेगा। ठीक है सर। क्या 7 बजे? चल चलते हैं। हाँ, चल। और हाँ सुनो, लड़के लोगों के साथ भी खेलना पड़ेगा तुमको। ठीक है सर। लड़कों के साथ? मेरे पापा को पता चल गया तो मार डालेंगे। चल चलते, चलते हैं। और हाँ एक जरूरी बात, हर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स भी लाने होंगे। इतने मार्क्स तो मैं नहीं ले आ पाऊंगी, मुझे नहीं खेलना, मैं जा रही हूँ। क्रिकेट खेलने के लिए फिटनेस सबसे जरूरी है, और आज से तुम लोगों का तला हुआ और मीठा खाना एकदम बंद। ठीक है सर। और कुछ? अभी भी क्रिकेट खेलना चाहती हो? हाँ सर। खेल तो सकती हो, बाकी की टीम कहाँ है? यहाँ। क्रिकेट लड़कों का खेल है बच्ची, ये खेल खेलना लड़कियों की बस की बात नहीं है। लड़के तो खेतों जंगलों में कहीं भी खेल लेंगे, लड़कियाँ खेल पाएंगी क्या? नहीं ना। वो वहाँ देखो, हैंडबॉल है, बैडमिंटन है, जो दिल करे खेलो। ठीक है जाओ, मैं चलता हूँ। हमारे स्कूल में ऐसी 10 लड़कियां भी नहीं थी जो क्रिकेट खेलना चाहती थी, और लड़कों के स्कूल में 10 अलग अलग टीम क्रिकेट खेल रही थी। ए, चलो निकलो यहाँ से। खाली करो। चलो। ए, चलो चलो चलो। तेरे को बोल रहा हूँ, दोबारा मत आना इधर। चल, चलते। तुझे मैं अलग से बोलूँ क्या? चल निकल। ए, कितनी बार तेरे को समझाओ कि डिफेंस खेल? डिफेंस ही खेला था भाई, बॉल दूर गई तो मैं क्या करूं? जा बॉल लेके आ। भाई इस बार तू ले आ, अगली बार मैं ले आता हूं। छोटी, पिच के नजदीक नहीं आना, ठीक है? नहीं तो चोट लग जाएगी। दूर बैठकर देखना। ओके भैया। चल बॉल थ्रो कर, अरे जल्दी फेंकना यार। ओहो जबरदस्त। अरे यार पीटर। हाँ। ये कौशी यहाँ क्या कर रही है? मुझे क्या पता, वो तो तेरी बहन है ना, जाके पूछ। मुझे और कोई काम नहीं है क्या? ए, चला चला चला, रेडी।
यार ये कौशी यहाँ रोज रोज क्यों आ जाती है? इसकी माँ को पता चला तो गई है समझो। तेरी बहन है ना, तू जाके क्यों नहीं बोलता? कौशी तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, माँ को पता चला तो मारेगी बहुत। जाओ घर जाओ। ठीक है भैया। ए, रोज ही हम लोगों के लिए बॉल लेकर आती है, एक ओवर इसे भी खेलने देना। चलाने दे। कौशी जा बैटिंग कर। ये तो बहुत भारी है भैया। कौशी हा? तुम्हारे लिए छोटा बैट लेकर आएंगे, तब आराम से खेलना ठीक है? पर मैं बॉलिंग कर सकती हूँ। ओ तो बॉलिंग भी आती है तुम्हें? चुप कर, आजा बॉलिंग कर ले कौशी। तो तुम सिर्फ बॉलिंग करना चाहती हो? तेरे को बैटिंग करना था ना, क्या जाके बैटिंग कर। लेकिन मैं नंदू भैया को नहीं आनंद भैया को बॉल करूंगी। यहाँ सबसे अच्छा आनंद भैया ही खेलते हैं। ठीक है आनंद भैया को डालो। क्या बात है नंदू, तेरे बैटिंग की महिमा तो सब जानते हैं। अरे बाप रे, स्टेप ले रही है तू। क्या बात है। फिर से डालो कौशी। ए नंदू दांत क्या फाड़ रहा है? तू लड़की होता ना तो तेरा बाप तुझे आने भी नहीं देता। गौर से देख, बॉल को ऐसे दो उंगलियों के बीच में पकड़ के बॉल को फेंकते वक्त उंगली को ऐसे घुमाते हैं, उसके बाद बॉल को छोड़ते हैं। अगर तुम दिन रात प्रैक्टिस करोगी तो अच्छे से बॉलिंग सीख जाओगी। ठीक है? ठीक है भैया। बाबा बाबा बाबा, एक मिनट रुकिए। क्या बात है, मुझे ये बताओ अचानक कपिल देव पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? ओहो, घास भी खिला रही हो इसे। आखिर हमारी कौशी मंजुनाथ को क्या चाहिए भला? कुछ भी तो नहीं। ये बात है तो हम चलते हैं। बाबा बाबा, बोलो बोलो। मुझे ना बॉल चाहिए। लो इतनी सी बात, पानी की टंकी में है क्या? अभी ले आता हूँ। बाबा वो बॉल नहीं। तो फिर टीवी पर जो क्रिकेट बॉल दिखाते हैं ना वो, उसका क्या करेगी तू? आप क्यों जाना चाहते हैं? अगर आपने मुझे बॉल नहीं दिलाया तो मैं खाऊंगी नहीं, सोऊंगी नहीं, आपसे बात भी नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है ठीक है। कौशी पैसों की इतनी तंगी चल रही है और तू बाबा से चीजें मंगवा रही है, शर्म नहीं आती तुझे? क्या प्रॉब्लम है, अपने बाबा से मांगी ना, आपके बाबा से नहीं। बीच में मत बोलिए। देखा आपने कितनी जुबान लड़ाती है ये। जैसी माँ वैसी बेटी। अरे ये क्या, तेरी उंगलियों पर इतने छाले क्यों पड़े हुए हैं? कुछ भी नहीं है माँ, क्रिकेट खेलते खेलते बॉलिंग करते करते उंगलियां ऐसी हो ही जाती हैं। कौन है ये लड़कियां जो हमारे गांव में आके क्रिकेट खेल रही हैं? लड़कियां नहीं माँ,
लड़के खेलते हैं। क्या? आनंद भैया, पीटर भैया और सत्या भैया के साथ। इतनी बड़ी हो गई, घर का एक काम नहीं करती, रसोई में मेरी मदद नहीं करती और बाहर जाकर लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। देखो ना बाबा, आपका गुस्सा मुझ पर निकाल रही है। हाँ, उसका मन तो करता है कि वो मुझे मारे, लेकिन मुझे मार नहीं सकती है, इसलिए ये गांव में लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती है। ये उसमें क्या गलत है ना बच्चा? देखिए, आप नहीं जानते, गांव वाले ये कहकर इसका मजाक उड़ाते हैं कि आपकी लड़की अभी तक जवान नहीं हुई और ये एक लड़का है। कहां से कहां बात जोड़ रही हो, पता नहीं वो क्या करती है और क्या खाती है इसलिए जल्दी जवान हो जाती है। इसकी सेहत अच्छी है, खेत की ताजी सब्जियां खाती है इसलिए इसे कोई बीमारी नहीं है। अरे सब सही समय पर हो जाएगा, जाओ मजदूरों से कहो सही समय पर आ जाएं। कैसी रही? तुम दोनों की हरकतों से मुझे डर लगता है। पूरा गांव इस गब्बर से डरता है और ये हमारी हरकतों से डरती है। बातें करनी बंद करो, खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो, जाओ अपना अपना काम करो। और ये क्या, चाय लाने में इतनी देर लगती है? माँ, स्कूल जाने की भी तो तैयारी करनी है ना। तुम कौन हो, जूतों के साथ कैसे आ गए खेत में? ओए, चुप कर यार, ये बैंक मैनेजर है। बैंक मैनेजर ही है ना, भगवान तो नहीं है? नमस्ते नमस्ते सर जी, मैं ठीक हूँ जी। लोन देने के लिए बैंक से आने वाला था। यही है, अच्छा यही है, पी पी लो सर जी। नहीं, मैं चाय नहीं पीता जी। क्यों मंजुनाथ जी, गन्ने की फसल आपने कब लगाई थी? 28 दिन हो गए सर। अच्छा 28 दिन। कहा जाता है कि गन्ने को खेत में लगाने से जमीन उपजाऊ नहीं रहती। जी सर, इसीलिए हम हर 2 साल में अलग फसल लगाते हैं। ओहो, फिर लोन की अर्जी आपने पिछले साल क्यों नहीं दी? उस समय हाथ में थोड़े पैसे थे सर। ओहो, तो इस बार क्या हो गया? क्या है ना कि बीज और खाद के दाम बढ़ गए हैं सर। उतना ही नहीं, मजदूर पहले से दुगनी रकम मांगने लग गए हैं, पैसे देने पर भी काम पर नहीं आते। पर क्यों नहीं आना चाहते? उनको तो क्या है कि 3 महीने की तनख्वाह चाहिए सर। मंजुनाथ, यही वो बैंक मैनेजर है क्या? अब ये कौन है? ये मेरे छुटपन का दोस्त है। ऐसा क्या, हटो भैया। मंजुनाथ जी बोलिए सर। देखिए, सब कुछ ठीक ठाक तो है जी, लोन भी सैंक्शन हो गया है आपका। जी सर। लेकिन आप तो जानते हो, जो पहली किश्त आप दोगे ना उसे मैं रख लूंगा। हाँ, मंजूर है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ए कौशी, वहाँ किसे घूर रही है? उधर चाय देने के बाद यहाँ आके सारे कप समेट ले। वो सर जी, कुछ जांच करने के बाद ही लोन पास करते हैं। हाँ हाँ, खेती के नाम पर पैसे लेकर कुछ और किया तो। ए भैया, हम जैसे चाहे वैसे पैसे खर्च करेंगे, पहले इन्हें निपटाओ। लेते हैं सर। अच्छा बता, ये सच में ईमानदार अफसर है क्या? ईमानदार? पहली बार तो ना मंजूर कर दिया था, फिर मैंने पैसों की बात की तो मंजूरी दे दी। तो फिर सर क्यों बोल रहा था उसे, या तो इज्जत दो या फिर पैसे दो, दोनों चीजों की आदत उसे क्यों लगा रहा है भाई? ठीक है यार, अब से सर बंद। कल जो नेता आया था उसका मैंने कर दिया मुंह बंद। कोई भी कूड़ा देश में ना रहे, उसे फेंक देंगे पड़ोसी के घर। माँ, ये कचरा फेंक के आ जाती हूँ। कभी वक्त पर नहीं आते ये लोग, आज बताते इन सबको। कैप्टन कौन है, टॉस करने के लिए आ जाओ। जैसे भी करो, तुम्हारी मर्जी, पर टॉस के बाद मुझे पूरी टीम यहाँ चाहिए। हाँ, मर गए हो तुम लोग, क्या टाइम दिया था तुम्हें? ये देख सर लटका के आ रहा है, ऐसा लग रहा है हम टॉस हार गए। फील्डिंग करने के लिए तैयार हो जाओ भाई। लगता है आज टीम में कौशी भी खेलेगी। कौशी, अपना पहला मैच खेलने के लिए तैयार हो जाओ। टॉस वो जीत गए हैं, हमको बैटिंग करने के लिए बोला। ठीक है आनंद भैया, पैड बांध लो, और सत्या तू भी। ठीक है। क्या हुआ, लग नहीं रहा? फर्स्ट हाफ से पहले मुझे चाहिए दोनों। चल सत्या, आनंद भाई दिखा दो अपना कमाल। अरे आनंद भाई, पूरी बैटिंग खुद ही मत कर लेना, मुझे भी करने देना। क्यों सत्या, वो तेरी बहन है ना? लगता है तू घर से चीयरलीडर लेकर आ गया। बहुत बढ़िया, वेल प्लेड, क्या शॉट मारा मेरे भाई। ए, दिमाग में भूसा भरा है क्या? कितनी बार बोलूं बे, कल ही मैंने फोन पे बताया था ना कि आज तुम लोग का मैच है। अरे आ तो गए ना। तुम लोग आए और वो मुझ पर चिल्ला रहा था। अभी अभी तो बैटिंग खत्म हुई है। अरे ये लोग कब टाइम पे आते हैं, ला पानी दे। नंदू, बैट को किट बैग के अंदर रख दे। आज ये दोनों नहीं आते तो मुझे चांस जरूर मिलता, लेकिन ये लोग आ गए। मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि मुझसे बैटिंग कराओ, बॉलिंग करवाओ, फील्डिंग भी तो करवा सकते हो ना, वो मौका भी नहीं दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं इस टीम में कभी भी खेल पाऊंगा, मैं जाकर किसी और टीम में खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ। नंदू, दोनों आ जाओ। तीना बॉलर के क्या करता है देख लेते हैं। मेरे भाई, ऐसे करेगा तो टीम का क्या होगा? पिछली बार तूने खुद बोला था ना
कि शराब पी के कोई मैच नहीं खेलेगा? छोड़ ना यार, मैं रहूंगा या ये रहेंगे डिसाइड कर ले। भैया क्या हुआ, आपने बुलाया था ना? मैंने तुम दोनों को बुलाया था, तू अकेला क्यों आया? कौशिक को भी आवाज दे। कौशिक इधर आओ। देखते हैं क्या करते हैं हमारे बकेश। बड़ा आया, आजा। कौन से एंड से पीटर? उस एंड से। ओके, तू वहां जाके फील्डिंग कर। दो विकेट भी नहीं ले पाएंगे, लिख के देता हूं मैं। फाइन लेग पे जाओ तुम। ये मोटा आउट हुआ ना तो मैच खत्म। सही बोला। मजा ले। नंदू। हाँ भैया। तुझे बोला था ना मैंने लॉन्ग ऑन पे खड़ा होने के लिए, जा वहां पर। कौशिक तुम्हारा खेलने का मन नहीं है तो हट जाओ वहां से, मैच हार जाएंगे तुम्हारी वजह से। अरे यार क्यों इतना चिल्ला रहा है उस पे? वो तो लड़की है यार, मौका दिया तो अच्छा खेलना चाहिए ना उसको। तू भी ना, लास्ट ओवर डालने के लिए बॉलर नहीं है। हम तीनों के ओवर खत्म हो चुके हैं, अगला कौन डालेगा? अरे यार तीन ही रन तो बनाने हैं, किससे करवाएंगे? लगता है वो लोग जीत ही जाएंगे, पर उन्हें अपनी बढ़ाई करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। ये नेक सलाह देने के लिए तो चल गया भाई, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। बोल। कौशी यहाँ। अब कोई बॉलर नहीं है तो कौशी को बुला रहा है, अब देखना टीम की होगी पिटाई, देखता जा। अरे भाई क्या यार, तुम किसी को भी बॉल डालने के लिए बोल रहे हो, और कोई बॉलर नहीं है क्या? क्यों वो बॉल नहीं कर सकते? चिल्ली शुरू हो गई है। अंपायर ये हो क्या रहा है? बॉलिंग कोई भी कर सकता है, खेलना है तो खेल। अच्छा ऐसा है, करने दो करने दो। अलग अंपायर जरा हेलमेट पकड़। कम ऑन कौशी, चलो शाबाश। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, चल चल कौशी, दिखा दे अपना कमाल। कम ऑन कौशी, शाबाश। सुपर कौशी, शाबाश, यही लाइन रख, बहुत बढ़िया। शाबाश कौशी, सही लाइन। बढ़िया कौशी, ऐसी डाल। ये हीरोगिरी करना बंद करो, ठीक से खेल, समझा? राजेश आउट है भाई, क्लीन LBW। ए हाथ में आया हुआ मैच हार जाएंगे, ठीक से खेलना। अरे पिच में पत्थर था, अब अगली बॉल देख। वेल बॉल्ड कौशी, बॉल कर रहा है, लाइन को मेंटेन कर, ऐसे ही इस तरह से आगे बढ़ती रहो। बहुत अच्छा कर रही है तू, शाबाश। कम ऑन कौशी, कम ऑन, कम ऑन, चल चल कौशी, यू कैन डू इट। सब सब सब, ओए अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? साहब 6 बज गए हैं। हाँ तो क्या हुआ बोल, तू मैच के बीच में बोलेगा? हाँ गधा, क्रिकेट कभी खेला है का? एक ओवर में कितना गेंद होते हैं बता? अरे गेंद कैसा होता है देखा है कभी? ऐसा दिखता है ये डंडे जैसा, या फिर कटोरी जैसा, या फिर ऐसा गोला? साहब ऐसा गोला, ऐसा दिखता है? ऐसा तो बाली बॉल होता है बुड़बक। अब बॉल कैसा दिखता है हम बताते हैं, वो कुरमुरा का लड्डू खाए हो ना कभी? बिल्कुल उस साइज का होता है समझे? 6 बज गए। अरे 6 बज गए तो क्या हुआ? का हुआ का? सर एक औरत को 6 बजे के बाद आप पुलिस स्टेशन में नहीं रोक सकते हैं। छोड़ो कायदा वायदा, जा सरोजा कांस्टेबल को बुला, जब तक इसके पिताजी नहीं आते पड़ोस में रह सकती है, बाकी कहानी हम अब। तीसरे बॉल पर क्या हुआ एक बार बताओगे? 6 बज गए। हाँ तो चिल्ला कह रहे हो, जा रही है ना? ए जाओ जाओ फुलन देवी, जाओ यहाँ से जाओ। अरे रुको मत, जाओ, पता नहीं तीसरे बॉल पे क्या हुआ था। देखो तुम लोग चिंता मत करो, सब ठीक। स्पिन डाला था कि गुगली डाला था समझ में नहीं आ रहा, अरे वो कहां गए भैया सचिन तेंदुलकर? अरे यार क्या हुआ था साहब, हमारी कंपनी पता चल गई उनको। बच्चा लोग बताओ बताओ तीसरे बॉल पर हुआ क्या था? बस हमको बता दो तीसरे बॉल पर हुआ क्या? बताता हूँ बताता हूँ, शुरू से बताता हूँ। हाँ बताओ बताओ। वो मंजुनाथ है ना साहब? हाँ बहुत अच्छा आदमी है। हाँ जूता निकाल के मारेंगे, देख 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 देख। हमारा नाइट ड्यूटी नहीं है पर हम सो नहीं पाएंगे, तुम दोनों को लॉकअप में बंद करके बारी बारी डंडे से मारेंगे, बता क्या हुआ था। नहीं नहीं मैं बताता हूँ साहब, सब कुछ शुरुआत शुरुआत से नहीं तीसरे बॉल से बताती साहब। मैं क्या बताऊँ, एक आदमी है जो आपको पहली बॉल से सब कुछ बता सकता है। कोई है? हाँ तो बुलाओ उसको भाई, बुला भाई, जल्दी आइए ना, आओ बच्चो आओ आओ। वो बच्चू नहीं है सर, बुला बच्चवा। तीसरे बॉल के बारे में जिसको पता है यही है वो साहब, यही है वो। हाँ तो ठीक है, चश्मा पहने रहो, नहीं मारेंगे। आप बताओ तीसरे बॉल पे क्या हुआ?
पहली बार जब मैंने उसे देखा। हमें नहीं जानना पहले बॉल पे क्या हुआ, आखिरी ओवर के तीसरे बॉल पे क्या हुआ वो बता। कौशी बाबा, माँ को मेरा क्रिकेट खेलना पसंद नहीं या मेरा लड़कों के साथ खेलना, पूछ कर बताइए। बड़े भैया, वैसे तो हमारे गांव में बच्चों को क्रिकेट सिखाने की कोई एकेडमी नहीं है, इसके लिए तो शहर जाना ही होगा और वहाँ भी लड़कों के साथ ही खेलना पड़ेगा और फिर खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सुनिए, जब वो छठी कक्षा में थी तो कौशी एक बार मुझसे मिलने आई थी। कह रही थी कि जब इंडिया हारा था तो मेरे बाबा बहुत रोए थे और बड़े हौसले से बोली कि क्रिकेट खेलकर वो आपको खुश करना चाहती है। मुझे लगा था आपके साथ क्रिकेट देखते देखते उसे ये खेल बस यूं ही पसंद आ गया होगा, पर आप 6 साल बाद क्रिकेट एकेडमी के बारे में पूछने आए तो लग रहा है कि वो सचमुच क्रिकेट खेलना चाहती थी। गुड मॉर्निंग बॉस, सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? मैं कौशी के लिए स्टेट टीम में अप्लाई कर रहा हूँ। अरे बॉस, ये फॉर्म वॉर्म भरना छोड़ो और उसे जाकर अपने दिल की बात बताओ। बताऊंगा बताऊंगा, पहले शादी के कार्ड तो छपने दे, फिर उसे अपने घर ले आऊंगा। उसकी माँ ने तो उसका गाँव में क्रिकेट खेलना बंद करवा दिया है, तो स्टेट लेवल पे कैसे खेलेगी? उसको मुसीबत में भी आप ही डालेंगे और बचाएंगे भी आप ही, है ना? मैंने ही शुरू किया था, मैं ही खत्म करूंगा। लोकल टूर्नामेंट के लिए उसके पापा को मनाना पड़ेगा। पिटने वाले हो भाई लोग, कौशिक के पापा आ गए। अरे पीटर जाके बात कर। सुन, तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे मुझे लॉटरी लगने वाली है। उसके बाप को देखा है ना, 20 साल बाद का सलमान है। एक हाथ भी पड़ गया ना, नदिया के उस पार जाके गिरूंगा। सत्या, कौशिक तेरी बहन है ना, तू ही शुरू कर। क्या? जाना सत्या, जा जा। कम ऑन सत्या, कम ऑन, यू कैन डू इट। आज बलि का बकरा तू है। ये बोलना क्या सत्या, कैसे हो? मैं ठीक हूँ चाचा जी। तुम्हारे पिताजी का फोन आता है या नहीं? हाँ बिल्कुल आता है चाचा जी। अच्छा अच्छा, ये बोलना, बोल। चाचा जी, हम ना एक टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं। हाँ जानता हूँ, बहुत सारे पोस्टर देखे मैंने। खेलो खेलो, अच्छी तरह से खेलो और याद रखना कप हमारा ही होना चाहिए। चाचा जी, वो तो जीत ही लेंगे, पर हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। ओए मेरे से बात इसलिए भाई? आप तो जानते ही हैं कि कौशिक कई सालों से हमारी टीम में खेल रही है और इस टूर्नामेंट में खेलने का उसका बहुत मन है चाचा जी। कौशिक एक लड़की है, आप इसलिए डर रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अंकल, मैं इनकी तरह क्रिकेट तो नहीं खेलता, पर मैंने कौशिक को क्रिकेट खेलते देखा है, उसका लेवल ही अलग है। उसको देखने के बाद मुझे क्रिकेट से प्यार हो गया। कौशिक तो खेलेगी, पहले स्टेट के लिए, फिर इंडिया के लिए। रुको रुको, इसी बात का तो डर है मुझे यार। वैसे तो मुझे उसके क्रिकेट खेलने से कोई आपत्ति नहीं है। देख, उसकी छोटी छोटी मांगे तो मैं पूरी कर सकता हूँ। तुम लोगों की सहायता से अगर वो कामयाब हुई और बड़े बड़े सपने देखने लगी तो उन सपनों को पूरा करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं ये बात कोई और कहता तो हम समझ सकते थे, मगर आप ऐसी बात करेंगे तो ठीक है, ले जाओ इसे अपने साथ खेल। धन्यवाद चाचा जी। पर चाचा जी, चाची को कैसे? हाँ वो चाची तो हानिकारक है ही, पर मैं संभाल लूंगा उसे। क्या बात है, आजकल ससुर जी की बड़ी याद आती है आपको। मैं भी तो एक बेटी का बाप हूँ ना, किसी दिन वो भी मेरे दुख सुख में काम आएगी। अच्छा सुनो, तुम एक हफ्ते के लिए यहीं रुक जाना, अपने पिताजी की देखभाल करना, मैं अगले हफ्ते तुम्हें लेने आ जाऊंगा। गौतमपुर के प्यारे निवासियों, इस 3 दिन के टूर्नामेंट के प्रायोजक हैं मशहूर मुरली ट्रैवल्स के मुरली पांडे। मैं तेंदुलकर और ये सचिन आपका स्वागत करते हैं। हाँ बोलूंगा बोलूंगा ना भाई। इस टूर्नामेंट के सबसे अच्छे ऑफ स्पिनर को मुरली पांडे जी देंगे एक खास इनाम। ये अपनी जुबान से अपनी तारीफ नहीं करते, इसलिए मुझसे करवा रहे हैं। सही बोला ना भाई? ये पकड़। धन्यवाद। बैठिए बैठिए, तू भी ले। कौशिक कुछ भी करे तालियां मारते रहना, ये लो पैसा बॉस। आइए आइए। इन लोगों से ताली बजेगी क्या? ये लो। इन लोगों ने जोर से ताली बजाई तो यही दम तोड़ देंगे, फिर इसका खर्चा कौन देगा? अच्छा देखना है तेरे को। कौशिक आर्मी, जोर से बजाओ, आग लगा देंगे। क्या हुआ भाई? भाई मैच शुरू नहीं हुआ। कहाँ जा रहा है? ज्यादा पैसे चाहिए तो लेना। ए, तुझे क्या मैं बिकाऊ देखता हूँ? क्या बात कर रहा है? तालियां लूटना इतना आसान नहीं है। तालियां सुनने के लिए लोग तरस जाते हैं, लोगों की जिंदगी बदल जाती है। तालियों को खरीदा नहीं जा सकता और ना ही तालियां बिकती है। तालियों के हकदार बनो, तभी तालियां बजेंगी। भाषण देने का इतना शौक है ना, तो जाए इलेक्शन में। गौतमपुर के नामी शख्स राजेश भाई आ चुके हैं, बहुत जल्द वो स्टेज पर हमारे साथ होंगे। नमस्कार। नमस्ते। धन्यवाद धन्यवाद। आ जाओ शर्मा, बैठिए। आओ भाई आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मंजुनाथ कहाँ रह गया? मंजुनाथ
वो नहीं आया? अरे आ गया होगा, कमाल करता है ये आदमी, उसकी बेटी भी खेलने वाली है। राजेश भैया की दुकान पर जाइए। ये बहुत रायता फैला रहा है, 5 पैसे नहीं दूंगा। राजेश भैया ने 5 लाख देने का वादा किया है। अरे कहाँ थे तुम? कृषि विभाग के अफसर को मिलने गए थे? अरे वो जांच करने आ रहा है या नहीं? क्या बताऊं यार, रोज रोज टाल ही रहा है वो। जब तुम मैच देखने नहीं आए तो मुझे लगा था कि तुम कृषि अफसर को देखने गए होगे। क्या बढ़िया बॉलिंग करती है तुम्हारी बेटी। गौतमपुर की शेरनी 11 ईगल्स टीम की स्टार प्लेयर अपना पहला बॉल फेंकने के लिए तैयार है। वो आ रही है और ये फेंका। बैट्समैन से बहुत दूर, पहली बॉल पर वाइड था, लेकिन ये क्या होगा, बैट्समैन ने बहुत ही जोर से बल्ला घुमाया और ये बॉल बाउंड्री के पार जा रही है। 6 रन, बहुत ही उम्दा शॉट। अब कौशिक क्या करेगी? लेकिन उसके बाद की बॉलिंग देखने लायक थी। मैं तेंदुलकर और ये सचिन आपका स्वागत करते हैं। कमॉन कौशिक, कमॉन 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 कौशिक। जोश में अगला बॉल फेंकने के लिए गौतमपुर की शेरनी आ रही है। बैठिए राजेश भाई, अब देखिएगा। चुप कर। एक और बढ़िया बॉल, और बैट्समैन तो ऐसे गिर रहे हैं जैसे पत्ते हो। आगे देखते हैं, बैट्समैन क्रीज से बाहर और ये स्टंपिंग। क्या बात है, हमारे दिलों के साथ साथ कौशी ने ये मैच ही जीत लिया है। उसने साबित कर दिया कि वो मंजुनाथ की बेटी है। तुम उसकी प्रशंसा कर रहे हो, ये बड़ी बात। मजा आ गया। अब इस क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा राउंड खेला जाएगा। इसके प्रायोजक है मुरली पांडे। जल्दबाजी मत करना। अच्छा एक बात बता, तू इसी की बॉलिंग पे आउट हो गया था क्या? हाँ यार, बड़ा तन के बोल रहा है। अरे भाई, जो मैंने कल देखा, अगर तूने देखा होता ना तो ऐसी बात नहीं बोलता। क्या बोल रहा है यार? अच्छा ये लड़की इस टीम के साथ कितने सालों से खेल रही, किसी ने तो इसे पटाने की कोशिश की होगी। हाँ यार, 100% की होगी। तुम्हारे घर की बेटी होती तो ऐसी बात करते क्या? अरे मैं अपने घर की लड़की को मैच खेलने ग्राउंड पे क्यों भेजता? ओ बुढ़ाओ, इसके बाप को अकल नहीं है क्या जो इस उम्र में खेलने को भेज दिया? चल लौट यहां से, बात करने लायक ही नहीं है, जाने दो। क्या बात कर रहे हो, ऐसी गंदी गंदी बात कर रहे थे वो लोग। देखो तुम बार बार कहानी के बीच में आकर टपक पड़ते हो। 6 के बाद लड़की पुलिस स्टेशन में नहीं रुक सकती, पर ये तो आदमी है ना। अभी कायदा कानून छोड़ो और जाओ, हमारे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। तुम साहब, उस लड़की का बाप आया है। हाँ उनके लिए भी ले लेना। तुम बोलो। अरे मंजुनाथ आया है। मंजुनाथ आया है, कुर्सी लेकर आ। कैसे साहब, आइए बैठिए 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 बैठिए। क्या बात है सर? अब क्या बताएं, बात क्या है, पूरा गांव कह रहा है कि आपकी बेटी की वजह से ये सब तमाशा हुआ है। भाई मैं संभाल लूंगा, चिंता मत करो। हाँ बेटा, ये वही है जो मंजुनाथ की बेटी के बारे में गलत बोल रहा था, ध्यान रखना। अरे रुक जा रुक जा रुक जा। भाई सही बोला था भाई, फोकस तो मेरा कहीं और ही जा रहा है। अब समझ में आया ना यार, तो कीपिंग कैसे करता है? बकवास बंद कर, नहीं दांत तोड़ के हाथ में दे दूंगा। मजाक कर रहा हूँ, जबान संभाल के, मेरी बहन है वो, समझा? अरे ज्यादा उछल मत, चल चल बॉलिंग डाल, बॉलिंग डाल। ये क्या था यार? बीमर। एक और डालने के लिए बोलूं? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत डर गया। चल काशी, उड़ा दे इसका मिडिल स्टंप। कम ऑन काशी। बच गया बेटे। वाइड है ना? वाइड बॉल नहीं है, चुपचाप खेलो। सुपर सुपर काशी। ठीक है ठीक है, सुपर, बहुत बढ़िया। क्या करूं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं यार, लड़कियों की बॉलिंग फेस नहीं की है। चल चल चल, डाल डाल डाल। अरे क्या
ये बताइए इसमें हमारी क्या गलती है? ओए मुछड़, अभी तक तो मेंढक की तरह टर्टर कर रहे थे, अब आवाज कहाँ चली गई? अब कुछ बोलते क्यों नहीं? शराफत गायब, सांप को देखकर मेंढक डर गया? मैं क्यों डरूं? आप ही सोचिए ना, कभी इस गांव में किसी लड़की को क्रिकेट खेलते देखा है? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे साहब, लड़के कितने सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम हुई का? और आज देखो, इस लड़की की वजह से इतना बड़ा तमाशा हो गया। अरे लड़कियों की मान तो होती रहती है, माँ बाप को उस पर काबू रखना चाहिए ना। बाप से संभाला कहाँ जा रहा है? एक और बात, क्रिकेटर के खानदान से भी लड़कियाँ नहीं खेलती, सिर्फ लड़के खेलते हैं, समझी ना बेटा? जरा अपने बाप को समझाओ, खोपड़ी उलट गई है इनकी। ये सारी बातें छोड़िए, आप ही सोचिए, अगर ग्राउंड पे एक लड़की पैंट शर्ट पहनकर इतने सारे लड़कों के बीच में यहाँ वहाँ भागेगी तो लड़के तो उसे देखेंगे ही ना। और सिर्फ देखना ही क्या, लोग तो बात भी करेंगे ना। लड़कियों को बुरी नजर से देखना आम बात है, गलती करने के बाद हमारे लड़कों को ही मारेंगे। इसी वक्त हमारे लड़कों से माफी मांगिए, नहीं तो अगली बार इस गांव में खेलने आए सही सलामत नहीं लौटोगे। लड़कियों को बुरी नजर से देखना आम बात है, मेरी बेटी के लिए जो लड़ रहे थे वो भी तो लड़के ही थे ना, क्या वो जवान नहीं है? उन्हें तो पैंट शर्ट में कोई भी बुराई नजर नहीं आई। बुराई कपड़ों में नहीं होती, बुराई तुम लोगों की परवरिश में है। मर्दों के गंदे ख्यालों को सही कहकर औरतों की बेइज्जती करके उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारी बातों में आकर उसे कैद करके रखा तो एक बार फिर औरत की आजादी पर, उसकी सोच पर पाबंदी लगाने जैसा होगा, अत्याचार होगा। अगर उसे खेलना नहीं आता, उसमें प्रतिभा नहीं होती, तो वो खुद ही नहीं खेलती। और तुम कह रहे हो कि वो एक लड़की है और इसलिए उसे नहीं खेलना चाहिए, तो तुम्हारी अक्कल को घुसेड़ो तुम्हारी। अब एक बात सुन लो तुम लोग, अब वो सिर्फ यहाँ की लोकल टीम में ही नहीं, ना ही सिर्फ स्टेट टीम में, बल्कि इंडिया की टीम में खेलेगी और जीतेगी। और फिर वही लोग जिन्होंने कहा कि मंजुनाथ की बेटी ने गांव की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, वो उसकी जीत का जश्न मनाएंगे और उसकी तारीफों के पुल बांधेंगे। मुझे विश्वास है अपनी बेटी पे और कसम धरती माँ की कि ऐसा ही होगा। अगर मेरी बेटी के बारे में किसी ने एक अपशब्द कहा तो मैं उसे अपने खेत में ले जाकर वहीं काट दूंगा। चलो बेटा। चाचा जी, आप भी चलिए ना सिलेक्शन के लिए। नहीं बेटा, मुझे कृषि अफसर से मिलने जाना है। अरे तुम उसके भाई हो, तुम हो ना उसके साथ? ठीक है चाचा। चाची जी, कौशी बहुत टैलेंटेड है, उसको खेल। अरे भाई, वो बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हो, इसे भी समझाओ। अच्छा खेलती है, खेलना बंद करो। क्रिकेट खेलते हो इसलिए अब तक नौकरी नहीं मिली तुम्हें। तुम्हारी माँ भी तुमसे बहुत परेशान है, तुम चाहते हो मेरी बेटी की हालत भी तुम्हारे जैसी हो जाए। क्या बात है सावित्री, वो लड़की और तुम्हारी बेटी एक है क्या? हर गली में लड़के क्रिकेट खेलते रहते हैं, कौशी उन जैसी है क्या? कौशी हमारे जिले की सबसे अच्छी खिलाड़ी है। एक और बात, इस प्रतियोगिता में लड़कियां बहुत कम है, इसलिए हमारी बेटी जीत जाएगी, जिससे उसे रेलवे में नौकरी मिलेगी। उसके बाद तुम और मंजुनाथ मुफ्त में पूरा भारत दर्शन कर लेना। याद है ना, कई साल पहले तुमने मंजुनाथ से शादी करने के लिए कितनी जिद की थी? अगर तुम शादी के लिए जिद कर सकती हो तो वो क्रिकेट खेलने के लिए जिद नहीं कर सकती? तो अच्छी बातें करो, उसकी हिम्मत बढ़ाओ, खुशी से भेजो उसे। तो ठीक है, अब फैसला कर ही लिया है तो जाने दो उसे। अगर वो कामयाब हो गई तो जो चाहे वो कर सकती है, अगर नहीं हुई तो ये बैट बैट उठा के सब फेंक दूंगी, फिर इसे शादी करनी ही होगी। अच्छे से समझा दो इसे। मामा जी, हाँ? सिलेक्शन होने पर मुफ्त में इंडिया घूम सकूंगी ना? सही कहा, कह दो इसे तैयार रहे। शाबाश। ध्यान रखना बाबा। हाँ, बहुत बढ़िया हो गई है तू। बाय बाबा। बाय बेटा। बाय मामा जी। बाय बाय बेटा।
देखा सर, गांव की लड़की कितनी अच्छी बॉलिंग कर रही है। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ प्लीज लीजिए ना। थैंक यू। कांग्रेट्स सर। थैंक यू। थैंक यू सर। एक मिनट आती हूँ। हेलो। हाँ कौन? मैनेजर साहब नहीं है? नया मैनेजर ड्यूटी ज्वाइन किया है। हे छोटे, कौशिक का सिलेक्शन हो गया। बॉस, लेकिन सबसे मुश्किल राउंड तो कल है ना? मुश्किल राउंड तो आज ही था, कल वाला आसानी से पार कर लेगी। उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है, बूढ़े हो जाओगे इंस्पेक्शन इंश्योरेंस के चक्कर में। ये कभी मिलता है तो कभी नहीं भी मिलता है। नहीं सर, वो सूखा पड़ गया था इसलिए। वो कह रहे थे कि जांच अधिकारी आएंगे। जांच अधिकारी तुम्हारा लोन थोड़ी चुकाएगा, कुछ और काम धंधा करके किस्तें भरो। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, गांव में अब खेती का काम नहीं रहा और अब तुम किसान नहीं रहे, समझे ना? Come on girls, let's do it. We can do it. Come on. Yay. ये क्या आनंद भाई, लॉन्ग ऑन पे खड़ा कर दिया। देखिए, सूखे की वजह से सारी फसल खराब हो गई है, अब ये किसी काम की नहीं, सरकार की मदद मिलना मुश्किल है। सर, अगर दूसरी लड़कियों की तरह इसको ट्रेनिंग दी जाए तो इसकी फील्डिंग काफी सुधर सकती है। मैं जानता था ऐसा होगा, इसलिए मैंने कहा था कि कॉलेज बनाने के लिए जमीन बेच दो। पर खेती और फसल के बारे में बात कर करके इसने भी गांव वालों को गुमराह किया है। कैसे लोग होते हैं। देखा आपने, क्रिकेट में सिर्फ बॉलिंग ही नहीं होती, बैटिंग फील्डिंग सब कुछ मायने रखता है। मस्ती मजाक के लिए अपने गाँव में खेल लिया होगा पर यहाँ नहीं चलता, ये क्रिकेटर बन ही नहीं सकती। रिजेक्टेड। गाँव में अब खेती का काम नहीं रहा, और अब तुम किसान नहीं रहे। ये क्रिकेटर बन ही नहीं सकते। अरे मेरी सवारी तो। अरे बहुत धन्यवाद आपका, मैं चलता हूँ। जी ठीक है। बेटा यूनिफॉर्म को इस्त्री कर लिया। रुकिए रुकिए, खाना तैयार हो गया है। मैम साहब ने भी कुछ नहीं खाया है, मैंने उसका टिफिन दे दिया है, इसे स्कूल तक छोड़ दीजिए। अच्छा बेटा सुनो, मैं तुम्हें लेने आ जाऊं। कौशिक को सिलेक्ट क्यों नहीं किया गया, उसका खेल सही नहीं था क्या? वो नई जगह थी ना चाचा जी, इसीलिए वो घबरा गई। अगली बार उसका सिलेक्शन जरूर होगा। भाई साहब, आपके कैलेंडर में महीने के 90 दिन होते हैं क्या? हर महीने सही वक्त पे इंटरेस्ट तो भर दीजिए। सिलेक्शन हो गया। आ, क्या मारा था उसको याद है? अरे ये क्या, आप तो रात को आने वाले थे। गाड़ी का क्लच दबाते दबाते पैर में दर्द होने लगा, इसीलिए जल्दी आ गया। बाबा मुझसे नहीं हो रहा है। इतना आसान है, ये देखो। देखा, ये गई। हेलो, हम सिर्फ हनीमून के लिए गाड़ी देते हैं, शादी नहीं करवाते। ये लीजिए किराया। जी ठीक है, जी कल मिलते हैं। ये क्या बात हुई बॉस, अपने होने वाले ससुर से कोई पैसे लेता है क्या भला? वो बात नहीं है भाई,
खेतों का काम छोड़कर दूसरा काम कर रहे हैं, यही इंसान के लिए शर्म की बात है। अगर मैंने इन्हें मेरे लिए काम करने को कह दिया तो इनकी इज्जत को ठेस पहुंचेगी। इसलिए मैंने कहा कि मेरे पास डीजल वाली गाड़ी है, पड़े पड़े वो कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए आप इसे रेंट पर चला लेंगे तो मेरा फायदा हो जाएगा। उन्होंने मेरी बात मान ली और काम शुरू कर दिया। इज्जतदार लोगों को अपनी इज्जत जान से प्यारी होती है। हमसे 4 लाख का कर्जा लिए हुए इन्हें 2 साल हो गए हैं। भूख लगने पर खाना खाते हो ना, उसी तरह अपनी सैलरी के लिए काम क्यों नहीं कर पाते हो? अगर तुमसे ठीक से काम नहीं होता तो नौकरी छोड़ दो। सर विश्वास कीजिए, इनकी कोई गलती नहीं, मैंने ही वो। मंजूनाथ याद रखो, मैं इन लोगों को इसलिए डांट रहा हूं क्योंकि मुझे आपकी उम्र का लिहाज है। ये लास्ट वार्निंग है, 3 महीने के अंदर पूरा पैसा लौटा दीजिए। सर 3 महीने में मैं पूरी रकम कैसे लौटा पाऊंगा? अरे ब्याज भी तो टाइम पर नहीं दे रहे हैं आप। वो भी भर दूंगा सर। तो भर दो ना मंजूनाथ, जो तुम ब्याज देते हो ना उसी से इनकी सैलरी कन्वेंस हमें देना पड़ता है। बेचारों के पेट पर लात क्यों मार रहे हैं आप? लात? सर आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी मुझसे, मैं तो एक किसान हूँ जिसने लोगों का पेट भरा है। अगर आप किसान हैं तो फसल काटिए, हमारे गले क्यों काट रहे हैं? जाइए। बहन यहाँ काम करके कोई फायदा नहीं, हमारी मुश्किलें तो बढ़ती जा रही है। लक्ष्मी तुम्हारे 12वीं का रिजल्ट कब है? अगले महीने 26 तारीख को। पास हो जाओगी? हाँ पास हो जाऊंगी। ओ सावित्री तुम्हारी बेटी भी 12वीं में ना पास हो जाएगी? कैसे पास होगी, पढ़ाई लिखाई तो करती नहीं है, दिन भर लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती रहती है। खेतों में काम करने वाली सीधे मैदान में क्रिकेट खेलने पहुँच गयी। हाँ तुम्हारी बेटी के तो सपने ही बहुत ऊंचे हैं। अगर मेरी बेटी ने ऐसा किया होता तो बैट बॉल को हाथ लगाने से पहले मैं उसके हाथ पांव तोड़ देती या फिर मैं उसकी शादी करवा देती। सावित्री बहन तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अरे तुम्हें तो अपनी बेटी की परवाह ही नहीं है। कल तक वो औरतें जो पीठ पीछे भी मेरे बारे में बात नहीं करती थी, आज उनकी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने मुझे ताने मारती हैं। मेरा पति इस गांव में राजा की तरह घूमता था, पर तेरे क्रिकेट की वजह से अपने ही गांव के लोगों से इन्हें आज मुंह छिपाना पड़ रहा है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? इस मनहूस क्रिकेट की वजह से हो रहा है ना? हा? जो लोग कहते थे कौशी बहुत अच्छा खेलती है, वो आज तेरी वकालत करने क्यों नहीं आ रहे हैं? एक दिन यही होगा इसी बात का मुझे डर था। उस दिन तो बढ़िया करके बोल रही थी मैं कोचिंग क्लास जाऊंगी, सबसे अच्छा खेल कर दिखाऊंगी, पर मुझे नहीं पता था कि तू ऐसी मनहूस लड़की बनकर लौटेगी इस घर में। सुन रही, क्या मैंने तुझसे कभी कहा था कि मुझे मुफ्त में पूरा देश घूमना है? अगर तुम्हें कुछ पाना है तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए जिद पालनी होगी। तुम्हारी जिद को देखकर उस चीज के लिए तुम्हारी ये दीवानगी सबको समझ आनी चाहिए। तुम क्या करने वाली हो, कैसे करने वाली हो मुझे नहीं पता, बस हम दोनों को तुम्हें भारत दर्शन करवाने हैं ये समझ लो। अगर तुम कामयाब होकर वापस घर नहीं लौटी तो दोनों टांगे तोड़कर घर में बिठा दूंगी। अभी तक यहीं बैठी हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं बाबा, 12th के एग्जाम में फेल हो गई हूँ मैं। देखो ये पास और फेल का चक्कर उनके लिए है जो पैसे कमाना चाहते हैं, उनके लिए नहीं जो कुछ बनना चाहते हैं। जाओ जाकर खेलो। चाचा जी ये आज बहुत तमाशा कर रही है, आइए ना हम लोग खेलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, चलो खेलते हैं, पर एक शर्त पर। क्या हुआ? अगर मेरी बेटी बॉलिंग करेगी तो ही। ये गया छक्का। तूफानी कौशल्या ने स्टेट लेवल पर हलचल मचा दी। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर।
वर्ल्ड कप 25 सिलेक्शन लिस्ट में इसका नाम जरूर आएगा। तो क्या हुआ, कैंप में देख लेंगे इसे। अरे बॉस, आपको पता चला कि नहीं, हमारी कौशी फाइनल 25 में सिलेक्ट हो गई है, वो भी वर्ल्ड कप के लिए। अब हमको नया स्लोगन लिखना पड़ेगा, हमने कुछ सोचा है, सुना। बॉस हमेशा फिल्म में हीरो हीरोइन को बचाता है, लेकिन इस बार उल्टा होगा। इस बार तूफानी कौशी अपनी इंडियन क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जिता कर ही रहेगी। अरे रुको तो बॉस, अभी मेन बात तो बोलना बाकी है। वर्ल्ड कप में तो वो 100% धमाल मचाएगी, पर कौशल्या मंजुनाथ कितना थकेला नाम है, इसीलिए मैंने कौशल्या पांडे प्रिंट करने बोल दिया पोस्टर पे। अब मचेगी असली धूम। यार ये बार बार राइट में क्यों देख रहे हैं? हेलो भाई साहब। हाँ वही पोस्टर, नाम बदली करना है। मुरली पांडे, सिर्फ मुरली पांडे। हाँ शोक सभा पोस्टर, आमंत्रण भाई सचिन और तेंदुलकर। हाँ चलता हूँ भाई, तुम्हारी मैयत की बहुत सारी तैयारी करनी है। अगर आप इसे वक्त पर बेच देते तो ये कबाड़ के हिसाब से नहीं बिकती, अब तो इतनी ही कीमत मिलेगी। ये लीजिए भैया। आपने कहा था ये ट्रैक्टर मेरे भाई जैसा है, तो ये सोचो कि आज तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बिक गया। बेटा तुम्हें कामयाब होना है, अपने लक्ष्य को देखो, जाओ बेटा। अरे वो देख कौन? अरे देखना बड़ी सर। हाय सर। हाय सर। यस हाय। आपके साथ एक सेल्फी ले लूं प्लीज? व्हाई नॉट, श्योर। तुमसे बहुत उम्मीदें हैं दीपिका। ओके पापा, टेक केयर, बाय। हे, पहली बार है इंडियन कैंप में? हाँ पहली बार। ओ, और इतनी जल्दी वर्ल्ड कप कैंप? और तुम? पिछले साल ओडीआई प्रोबेबल्स में सिलेक्ट हो गई थी। तुम नर्वस मत होना, कल नेट पे मिलते हैं, ठीक है? कौशल्या गुड बॉलिंग, लाइन एंड लेंथ एकदम परफेक्ट है। ए गांव खेड़ी इधर आ। क्या है? हाँ इज दिस योर गांव का कैंप और व्हाट? सीनियर्स का कैंप है बेटा, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सीनियर्स। ओके, और ये सीनियर्स का नेट है, चल निकल इधर से, निकल, यू कांट बॉल हियर। हाँ ठीक है। ए क्या है रे तेरे को, समझ में नहीं आ रहा? हाँ बोल रही हूँ, बॉल ही डालना है इधर। अरे अरे क्या हो रहा है? ए सीनियर्स है, तुम्हें पता है ना सीनियर्स ऐसे ही होते हैं, समझी ना तुम, उन्हें एडजस्ट करना होता है। तेरा प्रैक्टिस का पहला दिन है, ठीक है ना? अरे समझा देना इसको। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ नेट प्रैक्टिस कर रही थी। बोल दे। अरे छोड़, खराब कर, जाने दे, वो ऐसे ही है। ये क्या है? यहाँ बस ऐसी ही सूखी रोटी मिलती है, इसी को खाना समझो और खा लो। इस पे तो नमक भी नहीं है। हाँ पता है। What's up, babes? अरे कुछ नहीं, देख तेरी स्पिन पार्टनर। हे कहाँ जा रही है? गायत्री कौशल्या, कम हियर। व्हाट काइंड ऑफ बोलिंग इज दिस? डू यू इवन नो हाउ टू डू स्पिन? मैम उसे इंग्लिश नहीं आती है, गांव से है ये। व्हाट, इंग्लिश नहीं आती तुम्हें? अरे कौशी, हाँ? तेरी बॉलिंग को क्या हो गया यार? कौशल्या तेरी बॉलिंग में वेरिएशन नहीं आ रहा है। ठीक है उज्ज्वला, तू डाल। ओ ओ गुड बॉलिंग गायत्री, योर लाइन एंड लेंथ इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। गुड, कीप इट। पता है, थैंक यू। क्या हो गया, खाना नहीं खाएगी? मुझे नहीं चाहिए, तुम खाओ। ना ठीक से खा रही है ना सो रही है, क्या हो गया? थोड़ा सा लेफ्ट आओ। ओए, हाँ, मेरे करीब क्यों खड़ी है, लॉन्ग ऑन जा। श्रद्धा इधर आ, चल। कैच इट। इंडियन कैंप में ये नहीं आई है ना, घर की याद आ रही होगी।
ठीक है, ओके कोच, तू जा। कौशल्या मंजुनाथ, व्हाट डस मंजुनाथ डू? मंजुनाथ क्या करते हैं? तो आपको अपनी बेटी की कामयाबी की परवाह है, बैंक की नहीं? क्यों मंजुनाथ, बैंक का कर्जा लौटाने की तौकात है नहीं तुम्हारी, तो बेटी को कामयाब करके क्या करोगे? सर, कौशल्या एक टैलेंटेड प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलती है। तुम एक टैलेंटेड लड़की हो, तुम्हारे गांव के लोग जानते हैं कि तुम अच्छा खेलती हो, पर इस कैंप में सिर्फ काबिलियत से काम नहीं चलता। वो इंडिया टीम है, छोटे शहर की मिस कौशल्या मंजुनाथ इंडिया के लिए खेलेगी, पैसे कमाएगी और उन्हीं पैसों से वो बैंक का कर्जा चुकाएगी, यही कहना चाहते हो ना? पहले इस कैंप की आदत लगाओ और इस जगह को समझो, भविष्य में तुम्हारे काम आएगा। और ये मत सोचो कि इतनी जल्दी तुम वर्ल्ड कप की टीम में खेल सकोगी, ठीक है? मंजुनाथ इधर आओ, कर्जा चुकाने का तुम्हें एक आसान तरीका बताता हूँ। तुम्हारी बेटी क्रिकेट खेलने के बजाय बार में नाच के पैसा कमा सकती है। तेरी तो क्या जोश दिखा रहे हो हैं? मंजुनाथ तुम्हें गुस्सा आ रहा है भाई? दरअसल तुम्हें गुस्सा नहीं, शर्म आनी चाहिए। अभी सिलेक्शन के बारे में मत सोचो, ठीक है? क्या तुम जानते हो गुस्सा किसे आना चाहिए? उस आदमी को जो अपने पैसे की कमाई खाता है, ना कि कर्ज के पैसों से खाने वाले को। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो अब तक बैंक का सारा कर्जा चुका देता। अच्छा सुन, इसमें लॉरी का टैक्स भी है, तुम भर देना इसे। ठीक है, आओ भाई। खेत में चूहों ने मुसीबत और बढ़ा दी है भाई, कोई चूहे मारने की दवा है? जो दवा मेरे पास है उससे फसल भी मर जाती है और चूहे भी। बोल, लेकर आऊं? फसल सूख जाने की वजह से घनश्याम ने आत्महत्या कर ली थी। उस वक्त मुझे लगा था कि बुजदिल लोग ऐसा करते हैं, मगर यार कितना दुखी होगा तब जाके उसने ऐसा कदम उठाया होगा। मरने के लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत चाहिए तो बता, अगर तू सोचता है कि आत्महत्या करने वाले साहसी होते हैं तो हिम्मत से जीने वाले कायर होते हैं क्या? कैसी बात कर रहा है? वो बात नहीं है, हम लोगों को अनाज देते हैं। उसे लगा होगा कि अब खुद की भूख मिटाने के लिए दूसरों के आगे हाथ क्यों फैलाएं, इसीलिए ऐसा किया होगा। मैं भी कितना बेवकूफ हूं। तुम बेवकूफ हो। जो लोग मरते ना वो बेवकूफ होते हैं। सबको खाना खिलाने से कुछ नहीं होता, अपने बीवी बच्चों का भी सोचना होता है। जो मरा तो वो तो निकल लिया, उसके बाद उसके बीवी बच्चों का क्या? अब तुम ही देख लो, इतनी मुश्किलों के बाद भी तुमने अपनी बेटी को अच्छा क्रिकेट खेलना सिखाया। इसे कहते हैं हिम्मत से जीना। देखो तुम्हारी बेटी का अनजान शहर में है, वो कैसी है, उसका क्या हाल है, सोती कहाँ है, खाती क्या है, तुमने कभी सोचा कि उसके साथ क्या हो रहा है? बाबा, आपने सभी गांव वालों के सामने कहा था कि आपकी बेटी इंडिया के लिए खेलेगी और जीतेगी, लेकिन जो लोग यहाँ हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझ में टैलेंट है या नहीं। इन्हें मेरी कोई परवाह नहीं बाबा। मेरी इच्छा थी बाबा कि आप मुझे इंडिया के लिए खेलते जरूर देखें, पर पता नहीं मैं आपका ये सपना भी पूरा कर पाऊंगी या नहीं। कौशी, तेरे पापा आए हैं। तो ठीक है ना बेटी? आप कैसे हैं बाबा? तेरे बाबा पहले जैसे नहीं रहे बेटी। पता है जब इंडिया खेलती थी तो उन्हें खुशी होती थी, अब तुम इंडिया के लिए खेल रही हो। फिर भी पता है गांव के केबल ऑपरेटर को इन्होंने इंटरव्यू देने से मना कर दिया, बोले कि सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू नहीं दूंगा, उसके जीत पर इंटरव्यू नहीं दूंगा, जब वो कप जीत कर आएगी तब जाकर इंटरव्यू दूंगा। ऐसा ही कहा था ना तूने? कहा था कि नहीं? कहा था मामा जी। हाँ। सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ ना तेरी सिलेक्शन हो जाएगी।
ये बाबा मुझसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे मामा जी? देखो इन कपड़ों में देखकर मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तो तुम्हारे पापा तो कौशी, हाँ? कोच बुला रही है। क्या ये कोच तुमसे नाराज है? नाराज नहीं, मुझे बुला रही है। ठीक है जाओ बेटा। गर्ल्स आज हमारी कोच इस कैंप से रिटायर हो रही है। पिछले कई सालों से इनके योगदान से हमें बहुत सहायता मिली है, इस बात के लिए हम हमेशा इनके आभारी रहेंगे। देखो हमारी कोशी को जोरदार तालियां, आत्मविश्वास के साथ खड़ी है, कितना गर्व हो रहा है ना उस पे। हैं क्या दोस्त, ऐसी बेटी के पैदा होने पे गर्व होना चाहिए तुझे, और तू कीटनाशक मांग रहा था वो भी मुझसे। करियर के आखिरी दिनों में मैं हारना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने रिजाइन कर दिया। आप अपनी जगह पर सही हैं, पर आपको इन्हें बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, या रहती ताकि ये जीत सके। जीत सके? देखो जहाँ तक मुझे लगता है इस टीम की हालत तो हाँ, वो देखो वो रिपेयर के लिए रखा हुआ रोलर दिख रहा है, बस वैसी ही इस टीम की हालत भी है। पर आपका काम तो इसे रिपेयर करना है ना? मेरा काम है? मैं टीम की कोच हूँ, मैकेनिक वैकेनिक नहीं हूँ, समझ गई ना? पूछो इससे, नेल्सन है क्या? हाँ अंदर गाड़ी पे काम कर रहे हैं। बता दो हम BCCI से आए हैं। BCCI लोन के लिए क्या? रुको बोलता हूँ। भैया बैंक से कुछ लोग आए हैं, आपको ढूंढ रहे हैं। बैंक से आए हैं? बोल दिया आ रहे हैं, आप यहीं रुके। नेल्सन, नेल्सन दिलीप कुमार, कुछ रिपेयर करवाना है क्या आपको? कौन हो भाई, गाड़ी को हाथ क्यों लगाया तुमने? ओहो तुम वही मैकेनिक हो जो कल आने वाले थे, पूरी गाड़ी अच्छे से चेक कर लो और जल्दी से बना दो, और पैसे कर लेना, समझ गए ना तुम? प्लेयर्स कितने बजे आएंगे? 7 ही बजे ना, सो रहे होंगे अभी, आ जाएंगे, तुम चुपचाप अपना काम करो ना। कब आएंगे खाली बिरी पूछ रहा है। सॉरी लेट हो गई। नेल्सन दिलीप कुमार। पता है सर। गर्ल्स जल्दी यहाँ आओ, जल्दी आ जाओ ना। ये है नेल्सन दिलीप कुमार, हमारे नए कोच, अपना इंट्रोडक्शन। रहने दो, वैसे भी इन सब के नाम याद रखना मुश्किल है, और सब ये बात जान लें मुझे तो सिर्फ परफॉर्म करने वाले ही याद रहते हैं। आज कितने घंटे लेट हो? 2 घंटे सर। 2 घंटे। वीरेंद्र सिंह। हाँ जी सर। गाड़ी तैयार है, अब पिच तैयार करो। ओके चलो आज का सेशन यहीं खत्म, मैं तुम सबसे शाम को मिलता हूँ टीम मीटिंग के लिए। क्या, क्या? क्या? हाँ बाबा। आर यू श्योर? हाँ बाबा मैकेनिक है। अच्छा सर, स्पेशल कंसिडरेशन लिस्ट। जहाँ तक एक टीम का सवाल आता है, आप सभी अपने आप में अच्छे प्लेयर्स हैं, पर एक टीम की हैसियत से हम नॉकआउट स्टेज तक कभी क्वालिफाई भी नहीं हो पाते, और क्वालिफाई करने के लिए 3 बातों को हमें ध्यान में रखना होगा, A, B and C। एक्सेलरेटर ब्रेक क्लच। ए फॉर अटल, हमें अटल होना है कि हम हारेंगे नहीं। बी फॉर भरोसा, हमें खुद से ज्यादा अपनी टीम पर भरोसा होना चाहिए। एंड सी, ए मैकेनिक। रुको गर्ल्स, हमें इसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक मैकेनिक है और हम इंटरनेशनल खिलाड़ी। ये भी एक इंटरनेशनल प्लेयर थे। खेला तो सिर्फ एक ही मैच है ना, और हमने लगभग 70 या 80 मैच खेले। बोर्ड ने इन्हें भेजा है, हमें इनकी बातें माननी होंगी। एक्सक्यूज मी, अगर तुम्हें मानना है तो मान लो, मुझे मानने की कोई जरूरत नहीं है। इसे पता भी है कि हम कैसे खेलते हैं? पता चल जाएगा। क्या? कल पता चलेगा कि आप सब खेलते कैसे हैं। जो मुझे मामूली मैकेनिक समझते हैं उनकी अलग टीम होगी, और जो मुझे अपना कोच समझते हैं उनकी अलग टीम।
तुम्हारी टीम जीती तो मैं तुम्हारी सुनूंगा, लेकिन बदकिस्मती से अगर मेरी टीम जीती। ए मैकेनिक, बोलिए इंटरनेशनल प्लेयर। पहले जीत फिर भाषण। जिस टीम को आप कोच कर रहे हैं उसमें सिर्फ 10 प्लेयर खेलने को तैयार है। कोई बात नहीं, गर्ल्स क्रिकेट में सीनियर और जूनियर जैसा कुछ नहीं होता। अपने खेल को अपने हिसाब से खेलो पर पूरी मेहनत के साथ। खेल की इज्जत करो, खिलाड़ियों की। चलो इधर आओ, सामने वाले की ताकत को समझो उसके बाद बोल डालो। इसकी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट क्या है? कवर ड्राइव पे अच्छा खेलती है। मतलब तुम्हें क्या करना चाहिए? ज्यादा फील्डर्स कवर की ओर रख दें क्या? उससे कोई फायदा नहीं होगा, वो दूसरा शॉट खेलेगी। तो फिर क्या करना चाहिए? कवर से फील्डर्स हटाकर गली में फील्ड करवाओ, बॉलिंग वैसे ही करो, थोड़ा सा पेस बढ़ाओ। ओके। ए रम्या, गली में फील्डिंग कर, ठीक है? कौन सी डिलीवरी करने का इरादा है? बाउंसर के लिए फील्ड लगा ही हुआ है तो बाउंसर ही बोल करना पड़ेगा। जो स्ट्राइक पे होगी वो भी तो यही सोचेगी। ओ नेल्सन, फोकस करो यार मैच में। चलो 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 गर्ल्स, लेट्स डू इट, कम ऑन गर्ल्स, हमें जीतना है। बढ़िया बढ़िया, चलो कम ऑन टीम। कौशल्या, ऑफसाइड ऑफसाइड, ऑफसाइड में बॉल रखना जैसे मैंने समझाया था। कम ऑन कम ऑन कौशी, कम ऑन। कौशी हमें बर्बाद कर देगी। उस पर ज्यादा ध्यान मत दे, मेरा गेम देख। क्या हुआ? सर आपने तो ऑफसाइड में बॉल डालने के लिए बोला था। बाद में जाके कौशी से पूछ लेना। आजकल कोई भी गवार उठकर यहाँ पर आ जाता है बॉलिंग करने के लिए। ज्यादा होशियार बनेगी ना तो मुंह पे मारूंगी। ऐसे ही बॉलिंग करना सीख के आई है क्या गांव से? चल कर कर बॉलिंग कर। अरे जल्दी कर, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन। वेल प्लेड, वेल प्लेड गर्ल्स। Well played, girls! यहाँ आने के बाद तुम मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो। तुम्हारी बहुत कंप्लेन सुनी है, समझते क्या हो अपने आप को? सर, गुड टू सी यू। माय प्लेजर सर। बोर्ड से सुना मैंने, इसलिए सोचा चलकर तुमसे मिल लूं। सेकेंड इनिंग्स को टारगेट करके आए हो लगता है। हाय पापा। हार गई तो गर्ल्स
मेरी बेटी हमेशा कहती है कि टीम को मोटिवेट करने के लिए कोई स्पीच दीजिए, पर मुझे नहीं लगता उसकी कोई जरूरत है, क्योंकि उससे भी बड़ी प्रेरणा, ज्यादा मोटिवेशन आपके सामने खड़े हैं। 2004 में जब मैं सिलेक्शन कमिटी में था, तब मैंने ही नेल्सन को सिलेक्ट किया था। उस वक्त हमारी मेंस टीम को एक अच्छे विकेटकीपर बैट्समैन की जरूरत थी, और वो था नेल्सन दिलीप कुमार। नेल्सन की पहली मैच में इंडिया ने बैटिंग करने का फैसला किया और 10 ओवर के बाद स्कोर था 35-5। उस मैच में नेल्सन ने सेंचुरी बनाई, 123 नॉट आउट, इंडिया को जीत दिलवाई। पैनल मेंबर्स ने नेल्सन को मैन ऑफ द मैच घोषित किया, लेकिन उस समय नेल्सन ने सबको चौंका दिया अपना रिटायरमेंट अनाउंस करके। तब तक तो मैं समझ रहा था कि एक बॉल पूरी मैच बदल सकती है, पर उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि एक बॉल सिर्फ मैच ही नहीं, पूरी जिंदगी बदल सकती है। उस मैच में हुए एक छोटे से हादसे की वजह से नेल्सन की बाईं आंख की रोशनी चली गई। एक बॉल ने इसका करियर खत्म कर दिया। कोई और होता तो यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता, अपने नसीब को कोसता और अपने टूटे सपनों की वजह से क्रिकेट खेलना छोड़ देता, लेकिन यह नेल्सन है और इसे मैंने सिलेक्ट किया था, इसीलिए यह वापस आया है, जीतने के अपने सपने को सच करने। तुम भी अपने सपने साकार करो, पर एक बात याद रहे, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। सिर्फ तुम ही अपने सपने सच कर सकते हो, और कोई तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकता, कोई और नहीं कर सकता ये। ओके, ऑल द बेस्ट नेल्सन। थैंक यू सर। कोच, आप जीत गए, अब हमें क्या करना होगा? वर्ल्ड कप, ये लीजिए। मंजुनाथ, लाइन में खड़े रह के मदद क्यों मांग रहे हो? अपनी जमीन बेच दो ना, लखपति बना दूंगा तुम्हें। ये क्या साहब जी, सिर्फ 1000 रुपए? 1 एकड़ के 1000 ही मिलते हैं, चलो जाओ। आप 1 एकड़ से 50,000 कमाते हो, हमें 1000 दे रहे हो। कर, तूने मुझे वोट दिया इसलिए मैंने इसे कहा कि इसे पूरी रकम दे दो, और तुम मुझसे ही बहस कर रहे हो। हाँ, इलेक्शन का टाइम आ रहा है इसलिए तुम ये पैसे दिला रहे हो। मिल तो रहे ना तुझे, हमारे खेतों का अनाज खाकर हम पर मेहरबानी कर रहे हो। अधिकतर किसान अभी तक जिंदा है क्योंकि इनके पास जहर खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ये पैसे भी मत देना इन्हें, हो सकता है एक साथ परिवार की तरह मिलकर ये सब जहर खाकर मर जाए। दो वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं, फिर भी घमंड इतना ज्यादा। चलो आ गया। ये क्या है दोस्त, तू भी मुझे कर्जदार बना रहा है? मंजुनाथ, ये कर्ज नहीं है, तोहफा है। लोग भगवान को भेंट देते हैं ताकि वो खुशी से जी सके, लेकिन अगर हमें ऊपर वाले को खुश रखना है तो किसानों को खुश रखना होगा। ये लो, इतना सोचो मत, चलो दुकान पर, कोई नहीं, मैं चलता हूं। पहले तो तुम बहुत अच्छी बॉलिंग करती थी, फिर अचानक क्या हो गया? सर, कोच ने इसे कहा अपनी बॉलिंग का तरीका बदलने के लिए। तुम गांव की रहने वाली हो ना? हाँ जी। उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है जानती हो? जो कोई करने की हिम्मत नहीं करता वो कर दिखाते हैं। किसी को भी खुद को नीचा दिखा के कमजोर करने मत देना, कभी नहीं। सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टीम मेंबर्स के नाम बताओ। सुनाइए। दीपिका पटेल, अंजलि शर्मा, कल्पना रॉय, श्रद्धा सक्सेना, कीर्ति सिंह, अर्चना दास, नताशा पाराशर, प्रियंका त्रिवेदी, मनीषा चौधरी और देविका पटेल। सर, मैं कुछ समझा नहीं, आपको सिलेक्शन लड़कियों के टैलेंट को देखकर करना चाहिए, यही तो हमारे बोर्ड का सबसे बड़ा कायदा। नेल्सन, डू नॉट ट्राई टू टीच अस। इन 25 खिलाड़ियों को सेलेक्ट करने के लिए हमें 1,00,000 खिलाड़ियों को रिजेक्ट करना पड़ता है, और उनमें से 15 को चुनना मजाक नहीं है। टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता है। तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं नेल्सन, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने गाँव को छोड़कर यहाँ नहीं आ सकते। सर, आएंगे भी कैसे, जो थोड़े इस मर्यादा को पार करके आते हैं आप उन्हें तो वापस भेज देते हैं। जैसे गायत्री दीक्षित, संगीता राम टीके, कौशल्या मंजुनाथ। कौशल्या मंजुनाथ, वो लड़की तो अभी अभी आई है, वो वर्ल्ड कप का प्रेशर नहीं झेल पाएगी। और गायत्री, वो तो बहुत खेल चुकी है। संगीता, उसके भी रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है। नेल्सन, बाद में देखेंगे इनको, अगली सीरीज में इन्हें मौका देंगे। मैडम ने बिल्कुल सही कहा,
लीग सीरीज खेलने की तो काबिलियत है नहीं इनमें, 3 मैच खेलकर वापस आ जाएंगे। अभी तो इनको रहने दो, अगले सिलेक्शन में देखेंगे। इसीलिए टीम वो होनी चाहिए जो मैंने सिलेक्ट की है। नेल्सन, फैसला तुम्हारा नहीं होगा, जिस टीम को मैं सिलेक्ट करूंगा तुम कोच उसी के रहोगे। मैं ऐसी टीम का कोच बनना नहीं चाहता हूँ सर। तो फिर रिजाइन कर दो, अभी कर दो और जाओ। कर दूंगा रिजाइन, अगर BCCI प्रेस ने मुझसे इस्तीफा की वजह पूछी तो मैं बता दूंगा आज मीटिंग में क्या हुआ। धमकी दे रहे हो? बल्कि मैं तो डर रहा हूँ सर, अगर हम इसी तरह टैलेंट को पीछे छोड़ते रहेंगे तो इस देश में कोई अच्छा खेलने वाला बचेगा ही नहीं। ऐसा है क्या? तुम सब समझ रहे हो ना ये क्या कह रहा है? अगर इसके सेलेक्ट किए हुए 15 खिलाड़ियों को टूर्नामेंट के लिए हम आगे भेज दें तो ये कप जीतकर हमारे हाथों में दे देगा, यही कह रहे हो ना तुम? अगर मैं इस टीम के साथ कप जीतकर आ गया तो क्या करोगे? हम सब रिजाइन कर देंगे। क्या बोल रहे हो? अरे बढ़िया ना सर, एक मैच तो जीत कर दिखाएं ये लोग। ये तो सिर्फ 15 दिन से टीम को जानता है, मैं तो 4 साल से जानता हूँ। वर्ल्ड कप जीतने की बात तो बहुत दूर की है, पहले क्वालिफायर तक तो पहुँचे। मैं चैलेंज करता हूँ तुमको, खुला चैलेंज। कैंप में परफॉर्मेंस अच्छा था, अभी सिलेक्शन के बारे में मत सोचो, ठीक है? मेहनत करते रहना। छठा T20 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप कुछ ही दिनों में होने वाला है। टीम के खिलाड़ियों की कैप्टन है दीपिका, जो कि इस टीम को लीड करेंगी। उन्होंने कहा है कि हमारे शहर की नई खिलाड़ी कौशल्या मंजुनाथ भी इस टीम का हिस्सा रहेगी। किसी बड़ी पोस्ट पे डाल दूंगा। आप मुझे कहीं पर भी डाल दीजिए, पर हार तो मैं मंजुनाथ जी को ही ये सब किसकी? अरे रुकिए तो, आनंद भाई बताओ ना क्या खुशखबरी है? कौशिक का वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्शन हो गया है। मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बढ़िया। अरे बेटा एक हार मुझे भी देना मंजुनाथ, अच्छे दिनों में हमको मत भूल जाना। कौशिक ले सबको बांट दे मिठाई। भैया आप भी लो ना। थैंक्स। लो ना। अरे क्या हुआ भाई, लीजिए ना। अरे खा ले बेटा खा ले। पूरे गांव में एक आफत है जिसे वो भैया नहीं बुलाती थी, आज वो भी सुनना पड़ा। भैया भैया सुनने का इंतजार क्यों किया आपने? बनना चाहते थे सैया पर बन गए भैया। छोड़ ना, 10वीं फेल होने के बाद सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा क्रिकेटर बना ना, मेरी कौशी तो 12th फेल होने के बाद उससे भी बड़ा नाम कमाएगी। नाम तो कमा लेगी पर मेरी एक बात याद रखना बॉस, उसका नाम तुम्हारे नाम से कभी नहीं जुड़ेगा। चलो चलते। चलो बॉस, चलो। दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। सर क्यों बोल रहे हो यार? T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप कल शुरू होने जा रहा है। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में 10 टीम्स को पूल ए और पूल बी में बांटा गया है। हर पूल में 5 टीम रहेंगी। आपको बता दें कि पहले लीग मैच में इंडिया का सामना पाकिस्तान के साथ होगा। कोच उस दिन टीम मीटिंग में ABC का जब मतलब बता रहे थे आप तो सी का नहीं बताया। अच्छा हुआ तुमने पूछा, सी का मतलब चैलेंज और कल हमारा पहला चैलेंज है पाकिस्तान के साथ। कोच कल के 11 प्लेयर्स की लिस्ट। मुझे लगता है कल का ट्रैक फ्लैट होगा, 2 ऑफ स्पिनर्स नहीं चाहिए। सर कौशी जो तुम्हें ठीक लगे। ओके गर्ल्स आखिरी सेट। ए गांव वाली, वो तेरा बैट है क्या? सॉरी वहीं पर पड़ा हुआ था, मैंने सोचा बॉल बाउंस कर लो तो टूट ही गया। नया बैट ला दूंगी तुझे,
रोंदू शक्ल मत बना, टेंशन मत ले, चलो फिर। क्या हुआ? तुझे पता भी है? वो गार्ड मुझे पागल बना के दिया था। अरे क्या हो रहा है? अरे छोड़ उसे, छोड़ उसे, क्या कर रही है? छोड़, अरे तुम दिमाग खराब है तेरा, निकल यहाँ से। कौशी हाथापाई पर उतर आई। तो इस तरह टीम इंडिया के लिए खेलने वाली हो? गेट आउट। चलो भाई शुरू तो हो गया। अरे ये क्या मंजुनाथ, तुम्हारी बेटी वहाँ क्रिकेट खेल रही है और तुम यहाँ बैठकर उसे टीवी में देख रहे हो? अरे बैठ जा बड़ाओ, मैंने कपिल और सचिन को भी इसी टीवी पर देखा था। टीवी पर देखने का मजा ही अलग है। हम फील्डिंग करेंगे। So, दीपिका, इसने फील्डिंग का चुनाव क्यों किया? पहले करने का तो अच्छा है ना, हमारी कौशी बॉलिंग करेगी और 10 मिनट में 10 के 10 विकेट लेके मैच खत्म कर देगी। ए, तुम बैठो ना, पहले कौशल्या का नाम तो आने दो। दीपिका पटेल, अंजलि शर्मा, रमिया गायकवाड़। अरे मंजुनाथ तुम्हारी बेटी का नाम नहीं दिख रहा है। अरे फिर से देखो ना। हाँ यार टीम में नहीं है। ये क्या है भाई, मंजुनाथ की बेटी खेल रही है इसलिए खेल देखने आया था। चलो भाई चलते हैं। आधे दिन की कमाई छूट गई। अरे चलो बेटी मैच में नहीं है, मैच में क्या। मंजुनाथ मैंने बड़े बड़े खिलाड़ियों के लिए तालियां बजाई हैं, सोचा तुम्हारी बेटी को देखकर भी तालियां बजा दूं, पर हुआ नहीं। लगता है तुम्हारी बेटी को मेरी तालियों का इंतजार करना पड़ेगा। छोड़ो यार ये मैच नहीं तो दूसरी मैच सही, हमें तो इंडिया के जीतने से मतलब है ना। बिल्कुल सही कहा, इसीलिए तो मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला, यहीं बैठा रहा। देखना इंडिया ही जीतेगी। आपने सोचा था कि आज के मैच में मैं खेलूंगी ना बाबा? तुम खेलो तो भी ठीक है और ना खेलो तो भी ठीक है, जीती तो हमारी ही टीम ना। तुम देखना बेटी अगली मैच में तुम जरूर खेलोगी। हुँ? मुझे फोन करके बताना जरूर। अब जाके आराम से सो जा। माँ को? हाँ मैं माँ को बता दूंगा। ठीक है बाबा, जाओ। पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ये मैच 10 विकेट से जीत गई है। आयरलैंड के खिलाफ भी इंडिया ने मैच आसानी से जीत लिया है। लगता है अब श्रीलंका की मैच में भी जीत इंडिया की होगी। कौशिक को इस मैच में भी पानी लाने का काम दे दिया, इंडिया हार जाएगी। श्रीलंका के साथ कैसा खेलती है? फील्ड सेटअप देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बाउंसर बॉल बोल किया जाएगा। बाउंसर के लिए फील्ड लगा ही हुआ है, जो स्ट्राइक पे होगी वो भी तो यही सोचेगी। हम जानते हैं कि प्रतिभा एक फास्ट बॉलर है इसीलिए वो एक तेज गेंद फेंकने वाली हैं, पर ये काफी दिलचस्प स्ट्रेटजी होगी क्योंकि इंडियन टीम को इस वक्त एक विकेट की जरूरत है। खैर फाइनल डिलीवरी प्रतिभा बॉल करने वाली हैं। अब देखना है कि इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंचता है कि नहीं। लास्ट डिलीवरी, क्लीन बॉल, जबरदस्त यॉर्कर डिलीवरी सीधे विकेट के बीच में, और इस तरह श्रीलंका हो गई टूर्नामेंट से बाहर और इंडिया सेमीफाइनल्स में। तथा T20 महिला वर्ल्ड कप में इंडिया बांग्लादेश के साथ अगला मैच खेलेगी। इंडिया ने बैटिंग करने का फैसला लिया था। 20 ओवर्स के बाद इंडिया का स्कोर था 141, 7 विकेट खोकर बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए 142 रन की जरूरत है। क्या हुआ, जीत गई ना? हाँ हाँ जीत गई बांग्लादेश। बांग्लादेश 19वें ओवर तक मैच हमारे हाथ में था, प्रतिभा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। लास्ट ओवर में हमें 17 रन की जरूरत थी, किसी गायत्री नाम की लड़की ने आखिरी ओवर डाला। आखिरी बॉल पर उन्हें 4 रन की जरूरत थी, उसने डाउन द लेग साइड बॉल डाला और बैट्समैन ने चौका मार दिया। वो ओवर हमें बहुत महंगा पड़ा। अब हमें सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना पड़ेगा। दीपिका, तुमने लास्ट ओवर में जो डिसीजन लिया था ना वो बिल्कुल गलत था। क्यों? क्यों मतलब, पूरे मैच में उसका फॉर्म सही नहीं था, लाइन और लेंथ गलत थी, तो तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए था। गाइस किसी ने सोचा था कि हम एक भी मैच जीतेंगे? पर हम सेमीफाइनल तक पहुंच गए ना, अब रहने दो ना इस बात को, गेम को एंजॉय करो यार। इट्स ओके गर्ल्स, वेल प्लेड। गायत्री आखिरी ओवर में सब बोल करने के लिए डर रहे थे पर तुम आगे आई, ये सीनियर प्लेयर की निशानी है। शाबाश गायत्री। सर आई एम रियली सॉरी सर। किस बात के लिए? सर दरअसल उस दिन कौशिक की कोई गलती नहीं थी, मैंने ही उसका बैट तोड़ दिया था। मैं जानता हूँ। तो फिर कौशिक को टीम से बाहर क्यों रखा? So what about this, Miss Kaushalya? I can't find any video footage of her at all. Nothing domestically, nothing at all. It's like she doesn't exist. Next match, Kaushalya जरूर खेलेगी। Hey, look, I don't think we need to worry about her really because no idiot would play her in semi-finals against us in World Cup.
मैंने उसे टीम से बाहर नहीं छुपा कर रखा था। महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप एक बड़े ही दिलचस्प पड़ाव पर आ पहुंचा है। आज के दूसरे सेमीफाइनल मैच में हम देखने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम जो हर मैच जीत चुकी है उसका सामना होगा इंडिया के साथ जो पहली बार सेमीफाइनल खेलने वाली है। आपको बता दें कि अब तक ऑस्ट्रेलिया ये वर्ल्ड कप 3 बार जीत चुका है। ये मैच आज 7 बजे विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। ए कौशी, सब लोग रेडी हो गए हैं, क्या कर रही है? हम लोग लेट हो जाएंगे, चल चलते हैं यार। बाबा को फोन करके तैयार होती हूँ, तुम्हारा फोन दे सकती हो क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तू अपने पापा से बात कर, जल्दी आ जाना, ठीक है? हाँ। कौशी बोल रही। हाँ बेटा बोलो ना। बाबा आपके साथ है क्या? तुम्हारे बाबा यहाँ नहीं है। स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ आ रहा है, चार्ज करना भूल गए होंगे। मैं अपना फोन लेकर तुम्हारे घर तक जाता हूँ। हाँ। ठीक है। हेलो, मैं कौशी बोल रही हूँ बाबा। आज मैं पहली बार इंडिया के लिए खेलने वाली हूँ बाबा। अरे रो क्यों रही हो? उस दिन जब इंडिया हारी तो तुमने पापा को रोते हुए देखा और क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, और आज तुम ही रो रही हो। गौतमपुर के मंजुनाथ की बेटी इंडिया के लिए खेलने जा रही है, इससे बड़ी और क्या खुशी होगी? तेरी बेटी भारत के लिए वर्ल्ड कप जीत कर लाएगी। हाँ मंजुनाथ, तू तो बड़ा किस्मत वाला है। बाबा ये इतना शोर क्यों आ रहा है? अरे ये भी कोई सवाल है? तू खेल रही इंडिया के लिए, सारे लोकल चैनल वाले इकट्ठा हो गए, सब अपना अपना कैमरा लेकर आ गए। उस दिन याद है मैंने तुझसे क्या कहा था कि तू इंडिया की टीम के लिए जरूर खेलेगी, और यही खुशी की खबर तू मुझे फोन करके खुद बताएगी। देख मैंने जो कहा वो बिल्कुल सच निकला ना? अच्छा ये ऑस्ट्रेलिया वाले स्वाभाविक तौर से बहुत घमंडी होते हैं, गुस्सैल होते हैं, तुझे अपने पापा की तरह शांत रहना होगा, माँ की तरह नाक पर गुस्सा मत रखना, ठीक है? बाबा जरा माँ से बात कराइए ना। अरे उसे क्रिकेट के बारे में कहाँ कुछ पता है, उसे क्या बात करेगी तू? अरे उसकी डांट खाए बगैर मुझे क्रिकेट खेलने में बिल्कुल मजा नहीं आता, फोन दीजिए ना। ठीक है ठीक है ठीक है, देता हूँ मैं उसे। हाँ कौशी, कौशी खेलने जा, रुला ना मत, हंस के मत। कौशी माँ, क्या हुआ माँ? कुछ भी छोड़ना मत। कुछ नहीं बच्ची। अरे आज इतने प्यार से कैसे बात कर रही हो? तुमने तो मुझे आज तक बच्ची नहीं कहा। क्या हो गया है तुम्हें? अच्छा सुनिए माँ, आज तुम गांव वालों के साथ खेतों में मत चली जाना, कपिल देव को याद से मेरा मैच दिखाना, ठीक है माँ? ठीक है। और माँ हमारे घर के सामने टीवी लगाकर सारे गांव वालों को बुलाना और उनके साथ बैठकर मैच देखना। हाँ देखूंगी बेटा। माँ तुम हमेशा मुझसे कहती थी ना, क्या तमाशा मचा रखा है, डट कर हासिल करना पड़ता है, ये मुझे एक बार फिर से कहो ना माँ। अरे किससे बात करिए, फोन दो। सर सर सर, अरे अरे इतना गुस्सा है तो पैसा वापस कर देता ना। आप आइए यहाँ पे, यहाँ पे। माँ माँ हवालात में हेकड़ी निकाल दूंगा। अगर देखिए सर, शांति से काम लीजिए, इन लोगों पे क्या बीत रही है ये तो देखिए ना आप। क्या सर, बड़े लोग देश का करोड़ों रुपया लेकर भाग जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, और आप इन गरीबों पे कार्रवाई कर रहे हो? एक छोटे सी रकम का कर्ज लेने वाले एक मामूली किसान पर आप इतना जुल्म कर रहे हो? कौशल्या मैं नहीं खेलूंगी सर। साहब कोई बड़ी बात नहीं है, ये किश्तें भर देगा,
चाहे उसके लिए ये जमीन बेच दे। मैं बोल रहा हूँ ना, क्या कहते हो मंजुनाथ? हाँ, दो दिन की मोहलत है ना हमारे पास। पैसे दे के चाबी ले जाना। माना तुम्हारे घर वाले मुश्किल में, पर इसे तुम्हारे मैच खेलने या ना खेलने से क्या संबंध? मैं कैसे खेल सकती हूँ सर? पूरे गांव के खिलाफ जाकर उसने मुझे क्रिकेट खेलने दिया। मेरे बाबा सिर्फ मेरी खुशी देखना चाहते थे। आज सड़क पलाकर उनकी बेइज्जती की जा रही है। ऐसे वक्त पर उनकी मदद करने की बजाय मैं क्रिकेट खेलती रहूं, तो मैं उनकी बेटी कहलाने लायक नहीं। ये बताओ तुम वहां जाकर क्या हासिल कर लोगी? साथ खड़ी तो हो सकती हो। सिर्फ खड़ी हो सकती हो, सही कहा। माँ बाप उम्मीद करते हैं कि मुश्किल वक्त में उनके बच्चे उनके साथ खड़े रहें, पर खड़े रहने से ज्यादा मुश्किल का हल निकालना चाहिए। हर बाप अपनी औलाद को खुद से ज्यादा कामयाब और सफल देखना चाहता है। उनके लिए कुछ करना है तो कामयाब बनो। अपने तजुर्बे से तुम्हें कह रहा हूँ, कितने बदनसीब माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों की कामयाबी देख भी नहीं पाते। पर मुझे यकीन है कि तुम्हारे बाबा आज वो दिन देख पाएंगे। वहां वो तकलीफ में और यहाँ तुम तड़प रही हो। उनके इस दुख का इलाज तुम्हारी कामयाबी में छिपा है, इसलिए वो चाहते होंगे कि तुम मैच खेलो। सर, मेरे बाबा बहुत गरीब हैं। सुनो, दुनिया उनका सिर्फ मजाक उड़ाती है जो हमेशा आंसू बहाते रहते हैं, और उनके आगे झुकती है जो कुछ करके दिखाते हैं। सिर्फ यहाँ की लोकल टीम में ही नहीं, ना ही सिर्फ स्टेट टीम में, बल्कि इंडिया की टीम में खेलेगी और जीतेगी। किसी को भी खुद को नीचा दिखा के कमजोर करने मत देना, कभी नहीं। अगर तुम्हें कुछ पाना है उसके लिए जिद पालनी होगी। ये क्या, मेरी बहन इंडिया के लिए खेलकर गांव का नाम रोशन कर रही है और तुम लोग अपने घरों में बैठकर सीरियल देख रहे हो? सबको मैच देखने यहाँ बुलाओ, मिलकर कुछ बड़ा करेंगे हम। 2018 की विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल का दूसरा सेमीफाइनल, इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत की टीम ने टॉस जीत लिया और फील्ड करने का फैसला किया है। कौशल्या मंजुनाथ आज अपना पहला मैच खेल रही है, वो भी नॉकआउट स्टेज पर। अब बॉल करने वाली है प्रतिभा, सेमीफाइनल की पहली बॉल, और पहली बॉल पे ही 4 रन, निकोल के बल्ले को चूमती हुई। ऑस्ट्रेलिया का रन रेट काफी जबरदस्त है, और एक और बढ़िया शॉट, 4 रन। सिंगल और डबल्स का तो नाम ही नहीं, और एक और लेग साइड की तरफ बढ़िया शॉट, 4 रन। ओह व्हाट अ शॉट, 4 रन, ग्रेट शॉट। ऐसे गेम में ही तजुर्बा काम आता है। ये शानदार 6 रन ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 43-0। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन बहुत ही अटैकिंग मूड में लग रहे हैं, और ये बॉल निकोल समझ नहीं पाए। काफी आक्रामक खेल रही थी निकोल। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन शूट, और एक बहुत जबरदस्त शॉट। विकेट गिरने के बाद भी रन रेट नहीं रुक रहा है, 4 रन। ऑस्ट्रेलिया की आक्रामक बल्लेबाजी का इंडियन पेसर्स के पास कोई जवाब नहीं है। एक और 4 रन। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मैच पर पूरी तरह से डोमिनेट कर रही है। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन बैटिंग कर रही है, और शूट ने बहुत ही बढ़िया शॉट लिया 4 रन की ओर। ऑस्ट्रेलिया ने काफी बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया है। इनका स्कोर हुआ है 8 ओवर में 73 रन, 1 विकेट खोकर। इनका रन रेट 9 के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगली बॉलर है कौशल्या मंजुनाथ, ये इंटरनेशनल लेवल पर पहली बार बॉलिंग करेंगी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इनका पहला प्रवेश एक बहुत ही गंभीर स्थिति में। इस वर्ल्ड कप मैच में बॉल करने आ रही है, ऐसे वक्त पर जब ऑस्ट्रेलिया इस मैच पर छाई हुई है। बहुत ही बेहतरीन बॉल, और ये बोल्ड कर दिया अपने पहले ही बॉल पे। कौशल्या मंजुनाथ ने अपना डेब्यू बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया। कौशल्या की अगली गेंद, और बॉल घूमते हुए सीधा पैड पे लगी। अपील LBW की, देखते हैं अंपायर क्या कहते हैं। कौशल्या पूरी तरह कॉन्फिडेंट, और कैप्टन ने DRS का इशारा किया। अब देखने वाली बात होगी कि क्या फैसला आता है, क्या दूसरे बॉल पे दूसरे विकेट मिलेगी। बॉल सीधा टर्न किया और विकेट के अंदर, ये आउट है। ओरिजिनल डिसीजन नॉट आउट को काटते हुए अंपायर ने इसे आउट करार दिया। 2 बॉल 2 विकेट, कमाल का प्रदर्शन। कौशल्या के तीसरी गेंद, और ये हैट्रिक पे है, और ये कॉट बिहाइंड, कमाल का प्रदर्शन। आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। पहले ही मैच में पहले 3 गेंदों में 3 विकेट, वो भी अंडर प्रेशर स्थिति में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जबरदस्त प्रदर्शन, पूरे देश में खुशी हर्षोल्लास का माहौल। क्या लिखा, कौशल मुझसे शादी करोगी? चौंक गए ना क्या? उसे अपने दिल की बात अब नहीं कहोगे तो कब कहोगे? इसलिए हम ये लेकर आए हैं। टेंशन नहीं है। अगली बल्लेबाज है अमेंडा वाकारेवा। इस वर्ल्ड कप सीरीज ने इन्होंने अभी तक अपना विकेट नहीं खोया। स्ट्राइक रेट तो देखिए 212,
जबरदस्त बैट्समैन है, एक जबरदस्त बॉलर के सामने एक जबरदस्त बल्लेबाज, आउटसाइड एज, एक रन चुरा लिया। कौशल्या की अगली गेंद, कौशल्या मंजुनाथ का पहला ओवर। इस हैट्रिक ने इंडिया को एक बार फिर मैच में वापस ला दिया है। अभी तक हमने बैटिंग की बेहतरीन पार्टनरशिप देखी है, लेकिन अब हम देख रहे हैं बॉलिंग की बेहतरीन पार्टनरशिप जो कि गेम का रुख बदल रही है। अब ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं, वैसे वो स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन लंबा स्कोर नहीं बना पा रहे हैं, जिसके कारण उनका एवरेज गिरता जा रहा है। 19 ओवर में 117 पर 5 ऑस्ट्रेलिया। अगली गेंद, लास्ट ओवर, कौशल्या एमेंडा को, एमेंडा ने छक्का मार दिया, बॉल दर्शकों के हाथों में थमा दी। थोड़ी बहस हो रही है बैट्समैन और विकेट कीपर के बीच, टीम इंडिया प्रेशर में है। बाउंड्री, चार रन। इनिंग्स के आखिरी बॉल पर चार रन बनाते हुए अमेंडा सीरीज की नॉट आउट बैट्समैन, एक बार फिर से नॉट आउट करते हुए ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट फिनिशर अमेंडा। इंडिया के लिए 136 का टारगेट है। दीपिका और रम्या, इन दोनों बल्लेबाजों ने अभी तक इंडिया को बहुत अच्छी शुरुआत दी है, देखते हैं आज क्या करते हैं। ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ शॉट लगाया है, चार रन, पहली बॉल बाउंड्री के बाहर। रम्या स्ट्राइक पर है और एक बहुत बढ़िया शॉट, पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल करते हुए एक अच्छी शुरुआत, ऑफ साइड पर शॉट लगाते हुए चार रन, 49 पर नो लॉस। अच्छी भागीदारी की शुरुआत इंडिया के लिए और ये रहा पहला विकेट। अमेंडा ने दीपिका को बीट किया, ऑस्ट्रेलिया को मिला पहला विकेट। अब अंजलि इंडिया की अनुभवी खिलाड़ी और इन्होंने शॉट किया और चार रनों से खाता खोला। ये इंडिया टीम का पहला छक्का रम्या के बल्ले से, स्ट्राइक को अच्छे से रोटेट कर रहे हैं, बल्ला घुमा दिया, बॉल हवा में और सीधा फील्डर के हाथ में, शॉट अच्छा था लेकिन वहां फील्डर था। 63 पर 2, नए प्लेयर पे प्रेशर बनाने की कोशिश, बहुत बढ़िया फील्डिंग, चार रन बचा लिया ऑस्ट्रेलिया ने। ये मैच जीतने के लिए इंडिया को 20 ओवर तक टिके रहना होगा। एक और विकेट, सीधा बोल्ड, इंडिया 69 फॉर 3। एक के बाद एक विकेट गिर रही है, एक लंबी पार्टनरशिप नहीं बना पा रही है इंडिया। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने स्लेजिंग भी शुरू कर दी है, एमेंडा स्लेजिंग करते हुए इंडियन बैट्समैन पर प्रेशर डाल रही है। इंडिया को जीतने के लिए 31 बॉलों पर 51 रन चाहिए और एक और बाउंड्री एक्सपीरियंस बैट्समैन अंजलि के बल्ले से, 17वें ओवर की लास्ट बॉल और ये लेग साइड में ग्लांस कर दिया, बहुत बढ़िया शॉट, चार रन। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्लेजिंग शुरू हो गई है, लेकिन बैट्समैन को कंसंट्रेशन बनाए रखना होगा। अगली गेंद और नताशा कंसंट्रेशन चूक गई, बॉल सीधा विकेट के अंदर और लगता है कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा खेला गया माइंड गेम काम कर रहा है। अंजलि अपनी तरफ से जोरदार पारी खेलते हुए रन की गति बढ़ाते जा रही है। अगर ये पार्टनरशिप टिक जाए तो इंडिया ये मैच जीत सकती है। बहुत ही बेहतरीन शॉट, बॉल बाउंड्री वॉल की तरफ भागते हुए, देखते हैं कितना रन मिलता है, दो रन मिलेंगे और ये क्या रुजुला तीसरे रन की तरफ भागते हुए आगे बढ़ाओ। प्रेशर इंडियन टीम पे बढ़ता हुआ, रुजुला बहुत ही अनफॉर्चुनेटली आउट हो गई। अभी इंडियन टीम को 6 गेंदों में 13 रन की जरूरत है। गायत्री नई बैट्समैन, अगली बॉल और गायत्री चूक गई, एक रन लेने की कोशिश लेकिन नहीं, 5 गेंदों में 13 रन बनाने की जरूरत। अगली गेंद, बड़ी चालाकी से आउटसाइड ऑफ स्टंप डाला गया बॉल, गायत्री समझ नहीं पाई गेंद को, टीम पर प्रेशर बढ़ता हुआ। अगली गेंद, गायत्री ने मारने की कोशिश की और ये आउट, एक और विकेट, बॉल बल्ले को छूते हुए सीधा विकेट कीपर के हाथों में। ये मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथों में जा रहा है। स्ट्राइक अंजलि को दे दे। बैट्समैन है कौशल्या मंजुनाथ, जिन्होंने आज बॉलिंग बहुत ही शानदार की है, अब देखते हैं बैटिंग कैसी करती हैं। इस वक्त इंडिया पूरे प्रेशर में है, आखिरी 3 बॉल बची है। इंटरनेशनल लेवल पर पहली बॉल फेस करते हुए और ये 6 रन लेग साइड पर, इस 6 के बाद इंडिया की वापसी। अब इस मैच में कुछ भी हो सकता है, कौशल्या एक छुपी रुस्तम निकली। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, हैट्रिक विकेट लेने के बाद अभी अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन कर रही हैं कौशल्या मंजुनाथ। अगली गेंद और उन्होंने जगह बनाई और सीधा स्क्वायर कट मार दिया, बॉल बाउंड्री की तरफ जाते हुए लेकिन एक ही रन ले पाई। अब खेल बहुत ही रोमांचक मोड़ पे, एक बॉल में 6 रन की जरूरत भारत को जीतने के लिए, जो कि बहुत ही मुश्किल लग रहा है। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी पूरी तरह तैयार, क्या इस बॉल में लगा छक्का इंडिया को फाइनल तक पहुंचाएगा या फिर ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच खेलेगी, देखते हैं आगे क्या होता है। पूरे देश की नजर अंजलि पर, सारे देश को फैसले का इंतजार। फाइनल बॉल करने के लिए आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन शूट, अंजलि हाफ बॉली पर बढ़ी और ये मिस कर गई।
बॉल को बैट से कनेक्ट नहीं कर पाए और इस तरह ऑस्ट्रेलिया फाइनल में जाते हुए भारत ने यह रोमांचक मैच अच्छा खेलने के बावजूद लूज कर दिया। कौशल्या का हैट्रिक विकेट भी हिंदुस्तान को जीतने से बचा नहीं पाया। दर्शकों में मायूसी, ऑस्ट्रेलियन टीम जश्न मनाते हुए और भारतीय खेमे में उदासी छाई हुई है। भारतीय खिलाड़ियों द्वारा अच्छा प्रदर्शन के बावजूद ये मैच हार गई। एक मिनट, अंपायर्स के बीच कुछ बात हो रही है। वो रिव्यू कर रहे हैं, बॉल को फिर से चेक कर रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी थी, लेकिन ये क्या, बॉल हेलमेट को टच कर गई। इंडिया को 5 रन मिले और इस तरह इंडिया मैच टाई कर गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसका मतलब मैच अभी भी बाकी है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ अब सुपर ओवर में खेलेगा और तभी फैसला होगा कि फाइनल में इंडिया जाता है ऑस्ट्रेलिया। इंडियन टीम के कोच नेल्सन के जान में जान आई, उन्हें उम्मीद की किरण दिख रही है। इंडियन खेमे में उत्साह का माहौल, वहीं पर ऑस्ट्रेलियन टीम फिर से विचार करते हुए कि मैच को कैसे जीता जाए। इन 30 सेकंड में समझ ही गए होंगे कि हारने पर कैसा लगता है। इस एहसास को दूर मत जाने देना, चलो दिखा दो सबको। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहली बार सुपर ओवर देखने को मिल रहा है। इंडिया की तरफ से दीपिका और रम्या स्ट्राइक लेंगी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सुपर ओवर कैप्टन शूट करने वाली हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट, कैप्टन वर्सेस कैप्टन। पहली बॉल, दीपिका ने मिड ऑन की तरफ बॉल को छाल दिया है और ये 6 रन। अगली गेंद, दीपिका ने ऑफ में बहुत अच्छे से प्लेस किया है, 1 रन और मिलेंगे। रम्या ने कॉन्फिडेंटली बॉल को छाल दिया है, बॉल सीधा 4 रन की ओर। रम्या ने बॉल को एक बार और उछाल दिया है, लेकिन इस बार 1 रन मिलेंगे। सिर्फ 4 गेंदों में 12 रन बना चुकी है इंडियन टीम। अगली गेंद, दीपिका ने बॉल को उछाल दिया है, बॉल सीधा बाउंड्री वॉल की तरफ और ये 4 रन। कैप्टन शूट परेशान दिख रही हैं। आखिरी गेंद, बढ़िया शॉट, लेकिन सिंगल ही मिलेगा। अब ऑस्ट्रेलिया को सुपर ओवर में जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। अब इंडियन टीम की तरफ से सुपर ओवर करने के लिए कौशल्या मंजुनाथ को चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्ट्राइक अमेंडा ने लिया है। देखने वाली बात होगी कि कौशल्या अमेंडा को कितना रोक पाती हैं। पहली गेंद, अमेंडा ने इसे रोक दिया, 1 रन भी नहीं मिला। अगली गेंद, आउटसाइड द लेग स्टंप, अंपायर ने वाइड का इशारा दिया। शाबाश शाबाश कौशी, एक बॉल 1 रन बना पाई ऑस्ट्रेलिया। डालो, एंड दैट्स डालो, इट मींस बाउल। सो इफ दे से ऑफसाइड डालो, इट मींस बॉल ऑन द ऑफसाइड। गॉट इट? डालो, यू मस्ट रिमेंबर। अमांडा ने कौशल्या को अच्छी तरह से रीड कर लिया है। शाबाश शाबाश कौशल, अगला बॉल चौका होगा या छक्का। ऑफसाइड, ऑफसाइड पे मत फेंक, पीछे के साइड फेंक। अमांडा को घीस करके कौशल्या ने ये विकेट ले लिया। बहुत ही सफाई से स्टंप कर दिया विकेट कीपर ने। ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट गिर चुका है। कमाल कर दिया इसने। वाह, अब ऑस्ट्रेलिया को यह मैच जीतने के लिए 4 गेंदों में 12 रन बनाने की जरूरत है और इधर इंडिया को सिर्फ 1 विकेट चाहिए ये सुपर ओवर में जीतने के लिए। कौशल्या शूट को, और शूट ने बॉल को छाल दिया है, सीधा बॉल फील्डर के पास, 1 रन ही मिलेंगे। कौशल्या निकोल को, निकोल एक पिंच हिटर मानी जाती है और निकोल ने बॉल को उछाल दिया है सीधा 6 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट! ऑस्ट्रेलिया को अब सिर्फ 2 गेंदों में 5 रन चाहिए। अब इंडिया की जीत का सारा दारोमदार कौशल्या मंजुनाथ के कंधों पर। ये 1 विकेट इंडिया को लेना ही पड़ेगा। ऑडियंस पोल के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के 94% जीतने के चांसेस हैं और इंडिया के 6। उन 6% के आधार पर कौशल्या अब अगली गेंद करने वाली हैं। जब इंडिया हारी थी तो मेरे बाबा बहुत रोए थे। मुझे क्रिकेट खेलकर उनका दिल जीतना है ताकि उनको खुश कर सकूं।
मैच गोज टू कौसल्या मंजुनाथ। Kaushalya, can we have a word with you? आज भाइयों की वजह से मैं क्रिकेट खेल सकी। पीटर भैया, आनंद भैया, सत्या भैया, आप सबका बहुत शुक्रिया। और जिनकी वजह से आज मैं यहाँ टिक कर खेल पाई वो है मेरे कोच नेल्सन सर, आपका शुक्रिया। मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक गांव में एक पिता रहता है, उनका नाम है मंजुनाथ। अपनी पत्नी और अपनी बेटी के अलावा उन्हें दो ही चीजों से प्यार है, एक है क्रिकेट और दूसरा अपनी जमीन पर फसल उगाना। एक समय आया जब ये दोनों चीजें उनके लिए लगभग खत्म हो चुकी थी, तब गांगुली सर ने क्रिकेट को दोबारा उनके लिए जीवित किया। गांगुली सर के बाद धोनी सर ने, उनके बाद कोहली सर ने, और फिर उस पिता की बेटी ने क्रिकेट को फिर से उनके लिए जीवित किया। पर जब मंजुनाथ अपनी रोजी रोटी को नहीं बचा सके तो कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। ना तो मंजुनाथ अपनी रोजी रोटी बचा सके और ना ही वो अपना घर बचा सके। अब वो जिंदगी से लड़ते लड़ते हार मान चुके हैं। मैंने क्रिकेट को पहली बार बाबा की आंखों से देखा था। मैं आज क्रिकेट खेल रही हूं और मेरे बाबा मैच सड़क पर देख रहे हैं। इस वक्त जब पूरा देश खुशियां मना रहा है, मेरा परिवार दुख झेल रहा है, इसलिए मुझे इस जीत की खुशी नहीं। मेरे बाबा ने आपके बैंक से कर्जा लिया था, ये नहीं जानती कि कितनी रकम थी, पर इतना जानती हूं कि इन पैसों से वो रकम चुकाई जा सकती है। आप इन पैसों को रख लीजिए और मेरे बाबा का घर लौटा दीजिए। जब हम स्वादिष्ट खाना खाते हैं तो हम बनाने वाले की तारीफ करते हैं, पर उस किसान का नहीं सोचते जिसने वो फसल उगाई। ये कहना क्या चाहती है सर? हमें खेल तमाशा देखने की इतनी आदत हो गई है कि किसानों की जिंदगी भी हमें खेल और तमाशा ही लगने लगी है। जब इस देश में एक किसान अपनी हिम्मत हारता है तो सिर्फ उसकी हार नहीं होती, उन सब की होती है जो भूख लगने पर उसका दिया खाते हैं। हम 11 लोग यहाँ इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतने के लिए आए हैं, लेकिन उन गरीब किसानों को जिताने के लिए कोई टीम है क्या? जय हिंद। चलो कप जीतने चलते हैं। छठा T20 महिला वर्ल्ड कप में इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हरा के वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है, जिसके बाद से इंडिया में खुशी की लहर दौड़ गई। कप जीतने वाली टीम को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 50 लाख का इनाम घोषित किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से टीम को जिताने वाली जो मुख्य प्लेयर है कौशल्या मंजुनाथ, उन्हें 25 लाख का इनाम घोषित किया गया है और इसके साथ ही एक घर भी दिया गया है।